हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो होमवर्क क्वेश्चन ये तुम लोगों को मैंने होमवर्क में दिया था और बोला था वी हैव टू सॉल्व दिस यूजिंग रैशनलाइजेशन। तो आई होप सभी लोगों ने ट्राई किया होगा, वैसे कुछ लोगों का सॉल्यूशन भी आया है मेरे पास, ठीक है ना। चलो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले देखते हैं कौन सा फॉर्म है। तो क्या रखा, एक्स इजिकल टू टू ए यहाँ रखा, तो ये जीरो हो गया और ये रूट टू है, माइनस रूट टू है जीरो। तो न्यूमरेटर कहाँ जा रहा है, जीरो की तरफ जा रहा है। एंड डिनोमिनेटर 2a का स्क्वायर इज 4a स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर व्हिच इज आल्सो अगेन गोइंग टुवर्ड्स जीरो। तो दिस इज अवर 0 बाय 0 फॉर्म, ठीक है। अच्छा, तो 0 बाय 0 फॉर्म है। तो अब हम क्या करें, वी विल ट्राई विद रैशनलाइजेशन, क्योंकि रूट वगैरह दिख रहा है, दिस इज द बिगेस्ट हिंट। तो क्या किया, पहले मैं इधर ही चेंज कर रहा हूं, मैं इसको फैक्टराइज करके लिख रहा हूं। x माइनस 2a, x माइनस 2a इनटू x प्लस 2a। देखो जो इरेशनलिटी आ रही है बिकॉज इन डिनोमिनेटर, वो इसके कारण आ रही है, क्लियरली दिख रहा है, एक्स माइनस टू के कारण। इसमें इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो अब ये चीज इधर भी मुझे दिख रही है, तो पक्का इधर भी आ जाएगी, ठीक है। कैसे, देखो क्या किया मैंने, सेपरेट किया, इतना पार्ट अलग लिखा, इतना पार्ट अलग लिखा। तो ये हो जाएगा मेरा अंडर रूट एक्स माइनस टू ए, और ये हो जाएगा अंडर रूट एक्स माइनस टू ए अंडर रूट एक्स प्लस टू ए प्लस अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट टू ए, और ये हो गया मेरा अंडर रूट एक्स माइनस टू ए अंडर अंडर रूट एक्स प्लस टू ए। तो इसमें तो इरेशनलिटी कहीं नहीं है, इसमें है, क्योंकि तो ये भी अभी 0 बाय 0। अब इस वाले पर्टिकुलर पार्ट को रैशनलाइज कर दिया। देखो सेपरेटली नहीं भी लिखोगे तो भी हम इस पर्टिकुलर पार्ट को रैशनलाइज तो कर ही सकते हैं। जैसे मैंने क्या किया, अगर मान लो तुम्हें ऐसे नहीं ब्रेक करना है, बिकॉज वैसे आज की क्लास में हम देखने वाले हैं एलजेब्रा ऑफ लिमिट्स में कि व्हेन वी कैन ब्रेक द लिमिट्स, ठीक है ना। तो वैसे इधर मैंने ब्रेक नहीं करके भी ऐसे लिख सकता हूँ मैं, चलो ऐसे लिख लेता हूँ, नहीं तो इफ यू आर हैविंग प्रॉब्लम तो मैं ऐसे लिख लूँ, यही लिखा है, ठीक है, और कॉमन में ऐसे लिखा है, चलो ऐसे लिख देते हैं, अभी ब्रेक नहीं करता हूँ बिकॉज मैंने अभी एलजेब्रा ऑफ लिमिट्स नहीं सिखाया। अब क्या कर रहा हूं मैं, इस न्यूमरेटर को रैशनलाइज कर रहा हूं, इस पार्ट को केवल। तो इसको लिखा मैंने अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट टू ए और अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट टू ए, ठीक है। चलो मैं विदाउट सेपरेटिंग कर रहा हूं, तो देखना क्या आया, ये मेरा आया अंडर रूट एक्स माइनस टू ए, और देखो ए प्लस बी इंटू सॉरी ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो उससे क्या आएगा, प्लस एक्स माइनस टू ए रूट एक्स का स्क्वायर और रूट टू ए का स्क्वायर अपॉन, एक तो ये लिखा है इसके अंदर अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट टू ए, और होल डिनोमिनेटर में लिखा है मेरा अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस टू ए अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस टू ए, ठीक है। अब दिख रहा होगा, अब मैं अंडर रूट एक्स माइनस टू ए फैक्टर कैंसिल कर देता हूं, बिकॉज इसको तो मैं क्या लिख सकता हूं, अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस टू ए का स्क्वायर लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस टू ए का स्क्वायर। अब हाँ ठीक है, अब देखो, अब मैंने अंडर रूट एक्स माइनस टू ए यहां से गया मेरा, एक फैक्टर ये गया और एक फैक्टर ये गया, तो फाइनली वी आर लेफ्ट आउट विद 1 प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस टू ए डिवाइडेड बाय रूट एक्स प्लस रूट टू ए होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1x प्लस टू ए, ये हो गया मेरा। अब देखते हैं क्या इंडिटर्मिनेंसी हटी क्या हमारी, तो देखते हैं, ये 1 हो गया और ये 0, तो 1 प्लस 0 न्यूमरेटर कहाँ जा रहा है, 0 को जा रहा है, सॉरी 1 को जा रहा है, और डिनोमिनेटर मेरा अंडर रूट ऑफ 4a को जा रहा है, तो इंडिटर्मिनेंसी है क्या, नहीं, इंडिटर्मिनेंसी हमारी खत्म हो गई। सो दिस इज माय आंसर, 1 अपॉन अंडर रूट 4a व्हिच इज नथिंग बट अपॉन 2 रूट, ठीक है ना। बहुत से बच्चों ने मुझे आंसर भेजा भी था, गुड। चलो अब हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया, नाउ वी विल सी एलजेब्रा ऑफ लिमिट्स। तो डाल लो एलजेब्रा, बोल लो चाहे रूल्स बोल लो, लिखो एलजेब्रा ऑफ लिमिट्स। देखना मैं लिख रहा हूं इधर एलजेब्रा एलजेब्रा ऑफ लिमिट्स, ठीक है। चलो तो इसमें सबसे पहला पहला है, देखना, फर्स्ट थिंग इज फर्स्ट फर्स्ट पॉइंट इज, जैसे ऐसा लिखा है लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, और एक कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है एफ एक्स के साथ में, कोई फंक्शन एक्सप्रेशन ऑफ एक्स है, फंक्शन ऑफ एक्स, उसके साथ के मल्टीप्लाइड है, तो के को मैं बाहर ले सकता हूं और अंदर ऐसे लिख सकता हूं लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स, बहुत छोटी सी चीज है, ठीक है ना, बहुत सिंपल सी चीज है। जैसे मान लो मैंने ऐसे लिखा होता लिमिट एक्स टेंड्स टू टू और फाइव टाइम्स
एक्स स्क्वायर माइनस फोर अपॉन एक्स माइनस टू। तो मैं इसको कैसे कर सकता हूँ, आई कैन से फाइव को मैं बाहर लिख लेता हूँ और अंदर ले जाता हूँ लिमिट, लिमिट एक्स टेंड्स टू टू, एक्स स्क्वायर माइनस फोर अपॉन एक्स माइनस टू, ठीक है। और फिर फर्दर सॉल्व कर लेंगे, ये फैक्टराइजेशन से होगा, एक्स माइनस टू का फैक्टर कैंसिल होगा, ऊपर क्या बचेगा एक्स प्लस टू, तो एक्स टेंड्स टू टू पे कितना हो जाएगा, एक्स प्लस टू कितना होगा फोर, फोर फाइव है ट्वेंटी, तो मेरा आंसर हो जाएगा ट्वेंटी। तो कहने का मतलब, और इधर लिख लो, वेयर के इज कॉन्स्टेंट, वेयर के इज कॉन्स्टेंट, तो अगर प्रोडक्ट में लिखा है तो के को मैं बाहर लिख सकता हूँ, ठीक है। बहुत छोटा सा पॉइंट था। हाँ, अब जो सेकंड पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और कंफ्यूजिंग भी बहुत है, तो इसलिए ध्यान से सुनना। ये तो हो गया हमारा, के को हमने मल्टीप्लाई किया लिमिट से, तो फंक्शन अगर के से मल्टीप्लाइड है तो के को मैं बाहर लिख सकता हूँ। अब द सेकंड सेकंड वन इज अबाउट द सम, सम में कैसे ब्रेक, तो देखना क्या लिख रहा हूं मैं, पहले लिख लेते हैं उसके बाद एक्सप्लेनेशन इसका। मैंने लिखा लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस जी ऑफ एक्स, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, इसको क्या कर सकते हैं हम, वी कैन सेपरेट द लिमिट्स, मतलब एफ एक्स में अलग लगा सकते हैं, जी एक्स में अलग लगा सकते हैं, ठीक है। कंडीशन है, क्या कंडीशन है वो हम डिस्कस करते हैं। पहले मैंने क्या बोला, इसको सेपरेट कर लेंगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स प्लस लिमिट एक्स टेंड्स टू ए जी ऑफ एक्स। कंडीशन क्या है देखना, सुनना मैं क्या लिख रहा हूं, प्रोवाइडेड प्रोवाइडेड आर एच एस जो हमने लिखा है शुड नॉट बी एन इनडिटर्मिनेंट फॉर्म, शुड नॉट बी एन इनडिटर्मिनेंट फॉर्म, तभी हम ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है ना। हाँ, अगर मान लो इनमें से कोई भी एक फाइनाइट आ जाए तो हम ब्रेक कर देंगे। उसने बोला कि ऐसा हम ब्रेकअप कर सकते हैं जब इन दो ये वो वाली फॉर्म ना बने इंडिटर्मिनेट, और मुझे पता है इंडिटर्मिनेट बनी तो कौन सी बनेगी, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी टाइप की बन सकती है। तो इसलिए अब मैं इसी के आधार पे एक और पॉइंट क्या लिख सकता हूँ, नोट करके इसी के लिए, पर्टिकुलर नोट इसी के लिए, देखना क्या लिख रहा हूं मैं। मैंने कहा इनमें से अगर एक भी फाइनाइट आ गया, फाइनाइट बोल रहा हूं, तो मैं ब्रेक कर सकता हूँ, क्योंकि अगर फाइनाइट आ गया इसका मतलब इधर हमारा इंडिटर्मिनेट फॉर्म तो नहीं बनेगा। जैसे मान लो ये वन आ गया, ठीक है, ये डज नॉट एक्सिस्ट आ गया, तो भी ब्रेक कर सकते हैं। उसमें बोला कोई भी एक, अगर देखो अभी इसने क्या बोला था कि ये इंडिटर्मिनेंट फॉर्म नहीं बनना चाहिए आरएचएस में, ठीक है। अब इंडिटर्मिनेंट फॉर्म नहीं बनना चाहिए, इसको मैं एक और तरीके से कैसे बोल सकता हूँ कि मैं कब ब्रेक कर पाऊंगा, जब इन दोनों में से एक भी फाइनाइट आ जाए, क्योंकि अगर एक भी फाइनाइट आ गई तो इंडिटर्मिनेंट फॉर्म तो नहीं बनेगा, क्योंकि इंडिटर्मिनेंट फॉर्म कौन सा बन सकता था, इनफिनिटी माइनस इनफिनिटी बन सकता था, अगर एक भी फाइनाइट आ गई तो ये नहीं बन पाएगा। तो इसी को मैं नोट के फॉर्म में क्या लिख रहा हूँ, If any one of the above two in RHS is finite, then we can break. Then we can break. समझ में आया बच्चों? अब इलस्ट्रेशन लेंगे तो और अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। पहले इसको लिख लो। इसी के अंदर एक और नोट है, सुनना, नोट टू। अगर मैंने ब्रेक कर दिया, चलो करेंगे क्या, जैसे हमारा क्वेश्चन दिया ऐसे, कोई तो बड़ा सा बल्कि था क्वेश्चन, तो फिर क्या करेंगे, हमने मान लो सेपरेट कर दिया, और सेपरेट करते टाइम तो हमें दिखा नहीं कि दोनों फाइनाइट आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, हमने ब्रेक कर दिया, ऑब्वियसली बात है हम ब्रेक करेंगे, बट आगे चल के मुझे पता चला मान लो कि दोनों अनडिफाइंड आ गए, ये डज नॉट एक्सिस्ट आ गए, तो हम क्या करेंगे, फिर वहीं क्लब नहीं करेंगे, समझ में आ रहा है। तो इसको लिख लो, जनरली बच्चों को इस पॉइंट में थोड़ा सा डाउट होता है, ठीक है ना, वो क्लियर कब होगा, जब मैं इलस्ट्रेशन लूंगा, अभी के लिए मैं लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं, वंस, एक बार हमने ब्रेक कर दिया, वंस ब्रेक देन कैन नॉट बी क्लब टुगेदर, देन कैन नॉट बी क्लब, इसका मीनिंग क्या है, एग्जैक्ट मीनिंग एग्जाम्पल से समझ में आएगा, तो डोंट वरी, मैं अभी इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। मैं लिख रहा हूं वंस ब्रेक देन कैन नॉट बी क्लब टुगेदर, एक बार अगर मैंने ब्रेक कर दिया और मैं आगे जाके सॉल्व कर रहा हूं और फिर बाद में आगे पता चला अरे यार ये तो इंडिटर्मिनेंट फॉर्म आ गया, तो मैं उसी स्टेप पे कंबाइन नहीं करूंगा, फिर मुझे एज अ फ्रेश क्वेश्चन इसको स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है, विदाउट ब्रेकिंग, ठीक है। चलो मैं आगे और रूल्स लिखवा देता हूँ, फिर मैं एक साथ ले लूंगा, ठीक है ना, जैसे सम के अभी मल्टीप्लीकेशन का लिखवा रहा हूँ, डिविजन का लिखवा रहा हूँ, ठीक है ना, वो एक साथ मैं लेने वाला हूँ इलस्ट्रेशन, तो पहले इसको कॉपी कर लो, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट इज वी आर द अब प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन पे कैसे ब्रेक करते हैं, तो देखना थर्ड इज, देखो थर्ड वन इज लिमिट
एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स इंटू लिमिट एक्स टेंड्स टू ए जी ऑफ एक्स एंड अगेन द सेम थिंग प्रोवाइडेड आरएचएस शुड नॉट बी इनडिटर्मिनेट फॉर्म लिख लो इधर प्रोवाइडेड प्रोवाइडेड आरएचएस should not be any indeterminate form ठीक है। अच्छा जैसे अभी इससे पहले वाले में मैंने भी यही स्टेटमेंट लिखा था कि हम ब्रेक कब कर सकते हैं आरएचएस इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं होना चाहिए फिर तो उसके आधार पे मैंने एक नोट लिखवाया था क्या नोट था हमारा कि वो जो स्टेटमेंट था उसके इक्विवेलेंट क्या था कि अगर उन दोनों में से कोई भी एक अगर फाइनाइट आ जाए देन वी कैन ब्रिंग तो जस्ट वीडियो पॉज करके सोचो क्या इधर भी वो स्टेटमेंट वैलिड है क्या बोला मैंने कैन आई राइट इफ एनी वन ऑफ देम इज फाइनाइट देन वी कैन ब्रिंग उधर तो मैंने लिखा था कि इफ अगर सम में जब था सम या डिफरेंस में जब था तो मैंने लिखा था कि अगर दोनों में से एक भी फाइनाइट आ गई तो हम ब्रेक कर सकते हैं क्या मैं वो स्टेटमेंट इधर लिख सकता हूं वीडियो पॉज करो सोचो अब मैं बता रहा हूं थोड़ा सा कैच है क्या है देखो जब हमारा प्लस माइनस था ना तो उधर इंडिटर्मिनेंसी कौन सी फॉर्म आती इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी आती इधर अगर आ रही है इंडिटर्मिनेंट फॉर्म तो कौन सी आएगी जीरो इंटू इंफिनिटी आएगी तो फाइनाइट के साथ साथ मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा नॉन जीरो फाइनाइट क्या लिखूंगा मैं इफ एनी वन ऑफ दिस इज नॉन जीरो फाइनाइट क्योंकि अगर जीरो होगी इनमें से कोई एक तब भी मैं ब्रेक नहीं करूंगा क्योंकि पॉसिबिलिटी है ना दूसरा इंफिनिटी हो जाए फिर वो इंडिटर्मिनेंट फॉर्म हो गया क्लियर हुआ बच्चों एक बार और मैंने बोला चलो लिख लेते पहले मैंने कहा इफ एनी वन ऑफ द टू इन आरएचएस इज नॉन जीरो फाइनाइट नॉन जीरो लगाना पड़ेगा उधर हमने नहीं लगाया था उधर जीरो भी चलता अगर दोनों में से कोई एक जीरो भी होता तब भी हम ब्रेक कर सकते थे बट इधर नॉन जीरो होना चाहिए नहीं तो फिर क्या होगा देयर इज पॉसिबिलिटी कि ये इंडिटर्मिनेंट फॉर्म बन जाए क्योंकि इधर जीरो इंटू इंफिनिटी इज वन ऑफ द इंडिटर्मिनेंट फॉर्म तो इफ एनी वन ऑफ द टू इन आरएचएस इज नॉन जीरो देन वी कैन ब्रेक या वी कैन सेपरेट देन वी कैन सेपरेट क्लियर हुआ बच्चों समझ में आया चलो तो ये हो गया प्रोडक्ट ऊपर अब थोड़ा एग्जाम्पल से समझ लेते हैं ठीक है चलो तो वीडियो पॉज करके कॉपी करते रहना मैंने बोला कि जैसे पहले प्रोडक्ट वाला देख रहे हैं देखो जब भी हम लिमिट के क्वेश्चन करेंगे ना जैसे बहुत बल्कि क्वेश्चन दिया है हमारा मतलब एक्स के बहुत सारे दो चार फंक्शन दे रखे हैं प्रोडक्ट में तब ये चीज काम आएगी देखो हमारा एम क्या होता है लिमिट से सबसे पहले कोई भी मैथमेटिक्स के क्वेश्चन में क्या होता है कि जो बल्कि सा क्वेश्चन है ना उसको सिंप्लीफाई करके थोड़ा छोटा बनाया जाए तो फिर एनालिसिस करना आसान होगा क्या बोला तुम्हारा दिमाग में बिठा लेना कि अगर हमारा एम क्या है अभी कोई बल्कि सा क्वेश्चन दिया है बहुत सारे उसमें एक्सप्रेशन ऑफ एक्स दिए अवर टारगेट इज टू रिड्यूस इट ठीक है ना अवर टारगेट इज टू रिड्यूस इट उन सब के लिए रूल्स ऑफ या एलजेब्रा ऑफ लिमिट्स यूज होगा जैसे कि मैंने लिखा देखना लिमिट एक्स टेंड्स टू वन और इधर लिख दिया एक्स प्लस टू इंटू एक्स स्क्वायर माइनस फोर चलो एक्स प्लस टू इंटू ऐसे लिख लिया चलो थोड़ा एक्स स्क्वायर चलो इसको मैं चेंज कर रहा हूँ इसको लिख रहा हूँ थ्री एक्स स्क्वायर माइनस नाइन अपॉन एक्स माइनस थ्री ठीक है ये मेरा एक पूरा फंक्शन है ठीक है जिसकी लिमिट निकालनी है मुझे एक्स इज इक्वल टू थ्री पे तो अभी थोड़ा सा बल्कि बड़ा सा फंक्शन दिख रहा है अब मैं क्या करूंगा वो वाला फैक्ट यूज करूंगा ब्रेक करना लिमिट को सेपरेट करना प्रोडक्ट वाले में तो देखो उसने क्या बोला कि वी कैन ब्रेक अगर एक नॉन जीरो फाइनाइट आ जाए तो देखो यू कैन सी कि ये जो पार्ट है अगर मैंने ये वाली लिमिट इसमें और इसमें ब्रेक की तो दिस इज व्हाट अगर x 3 को जा रहा है तो ये 5 को जा रहा है तो दिस इज नॉन जीरो फाइनाइट अब क्या करूंगा मैं इसमें इसको अलग से लिख दूंगा तो मैं क्या लिखूंगा लिमिट x टेंड्स टू 3 x प्लस 2 इनटू लिमिट x टेंड्स टू 3 x स्क्वायर माइनस 9 अपॉन x माइनस 3 ठीक है और फिर इसको मैं 5 लिख दूंगा तो अब देखो अब मेरा क्वेश्चन किसमें कन्वर्ट हो गया 5 इनटू लिमिट x टेंड्स टू 3 x स्क्वायर माइनस 9 अपॉन x माइनस 3 तो देखो ये एक्सप्रेशन बड़ा सा छोटे में रिड्यूस हो गया यूजिंग द फैक्ट कि हम लिमिट्स को ब्रेक कर सकते हैं प्रोडक्ट में प्रोवाइडेड एटलीस्ट वन ऑफ द लिमिट शुड बी नॉन जीरो तो वो आ रही थी नॉन जीरो इसकी लिमिटिंग तो यही होगा अब टारगेट क्या होगा हमारा प्रोडक्ट्स वगैरह में बहुत सारे फंक्शंस दे रखे होंगे तो हम क्या करेंगे उनमें से जो प्रोडक्ट जो वाले फैक्टर्स जो नॉन जीरो है ना उनमें
एक्स की वैल्यू रख के बाहर निकालते जाएंगे, सो दैट वेरिएबिलिटी कम होती जाएगी। जैसे मैंने बोला, तुम पहले इसको कॉपी कर लो, क्या बोला मैंने अभी, मैं इसको रब कर रहा हूँ। मैंने बोला कि जैसे मान लो ऐसे लिखा है, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, चलो एक सिंपल सा है, कॉस एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स ऐसे दिया है, और एक मिनट के लिए एफ एक्स बहुत बल्कि सा फंक्शन है, कुछ तो है, और इधर कॉस एक्स भी मल्टीप्लाइड है। तो इसमें मैं देख रहा हूँ कि एक फंक्शन, अगर मैंने इसको माना, तो ये जो है x tends to 0 पे 1 आ रहा है, finite आ रहा है, non zero, तो इसमें मैं क्या करूंगा, देखो अभी तो हम separately लिख रहे हैं, but अभी practice हो जाएगी तो हम हवा में calculate करेंगे कि x 0 रखा तो ये non zero finite आ रहा है, which is cos 0 1, तो इसको 1 लिख से replace कर देंगे, यहीं replace कर देंगे, provided कि ये product form में है इसके, sum में नहीं है, ठीक है ना, sum में नहीं है। समझ में आया क्या बोला? एक बार और, मैंने बोला कि जैसे कि चलो और लिख लेते हैं एग्जांपल, लिमिट x tends to चलो पाई बाय टू, और इधर लिख लिया मैंने साइन x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स, सॉरी पाई बाय टू है ना, तो एक्स स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर बाय फोर अपॉन एक्स माइनस पाई बाय टू इंटू, फिर मैंने और बढ़ा देता हूँ इसको, चलो कॉस ऑफ एक्स प्लस पाई बाय फोर एंड सो ऑन। तो अब देखो, अब मेरे इसको तीन फंक्शन है ब्रेक देख रहा हूँ, तीन फंक्शन विजुलाइज कर रहा हूँ, देखो एक तो मेरा ये, एक मेरा ये, और एक मेरा ये, ठीक है। अच्छा अब मैंने क्या बोला, अभी तो देखो ये बड़ा सा फंक्शन लग रहा है मुझे, मतलब इधर भी x है, इधर भी इन्वॉल्व है, इधर भी वेरिएबिलिटी पार्ट इन्वॉल्व है, बट मैंने क्या बोला कि हम क्या करेंगे, अगर ये प्रोडक्ट फॉर्म में है ना जो फंक्शंस हैं, तो हम उसमें x इक्वल टू जो इधर बोला है वैल्यू, उसमें वैल्यू निकाल के देखेंगे, अगर नॉन जीरो फाइनाइट आई तो वहीं वो वैल्यू रख के उसको खत्म कर देंगे, तो वेरिएबिलिटी कम हो जाएगी। जैसे मैंने बोला x इक्वल टू पाई बाय टू, इसमें रखा तो साइन पाई बाय टू इज वन, तो साइन x लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आई कैन से दिस इज वन। एक्चुअली करेंगे कि देखो बैक ऑफ मतलब हमारा एक्चुअल प्रोसीजर क्या होगा, जैसे अगर मैंने बोला बोर्ड एग्जाम में तुम्हें लिखना है, तो यू शुड राइट लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2 इनटू sin x, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2 इनटू दिस इनटू लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2 इनटू दिस, ठीक है, फॉर बोर्ड पर्पस। बट मैंने बोला हम जेई के लिए तैयारी कर रहे हैं, अगर ऑब्जेक्टिव में करना है तो हम इतना नहीं लिखेंगे, क्या करेंगे, डायरेक्टली पाई बाय 2 पे इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, नॉन जीरो फाइनाइट आ रही है, और ये प्रोडक्ट में है, दो चीज याद रखना, ये जो इसकी नॉन जीरो वैल्यू आ रही है, नॉन जीरो फाइनाइट वैल्यू आ रही है, प्लस ये प्रोडक्ट फॉर्म में, तो डायरेक्टली पाई बाय टू रखा, वन इक्वेट कर दिया, तो हमारा एक स्टेप बच गया। वो कौन सा वाला, मैं तो लिखता लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाय टू साइन एक्स, सिमिलरली हियर आल्सो, अब एक्स टेंड्स टू पाई बाय टू पे अगेन दिस इज अगेन फाइनाइट, पाई बाय टू पे फाइनाइट है, ये नॉन जीरो है, तो मैं इसमें क्या करूंगा, एक्स की वैल्यू रख दूंगा पाई बाय टू, तो पाई बाय टू रखूंगा, तो कॉस ऑफ पाई बाय टू प्लस पाई बाय फोर इज माइनस साइन पाई बाय फोर, विच इज माइनस वन बाय रूट टू, तो इसको हटा के माइनस वन बाय रूट टू लिख दिया, तो फाइनली मेरा क्या एक्सप्रेशन बचा, माइनस वन बाय रूट टू इंटू एक्स स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर बाय फोर अपॉन एक्स माइनस पाई बाय टू। तो सोचो इतना बड़ा सा फंक्शन था, इतने से रिड्यूस हो गया, क्या यूज किया हमने फैक्ट, वो एक प्रोडक्ट वाला, कि प्रोडक्ट में ब्रेक कर सकते हैं, एटलीस्ट वन शुड बी नॉन जीरो फाइनाइट, क्लियर है। अब इसकी लिमिट निकाल लो, तो दिख रहा है इसमें x माइनस पाई बाय टू फैक्टर के कारण जीरो हो रहा है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो वो फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, तो यू विल बी लेफ्ट आउट विद माइनस वन बाय रूट टू इंटू एक्स प्लस पाई बाय टू, और x टेंड्स टू पाई बाय टू पे अब ये इंडिटर्मिनेंसी हट गई, तो पाई हो गया, तो आंसर इज माइनस पाई बाय रूट टू। समझ में आया जो मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं, ठीक है। तो देखो प्रोडक्ट वाला तो फिर भी थोड़ा इजी होता है, कंफ्यूजन ज्यादातर बच्चों को होता है सम वाले में, ठीक है, तो उस पे और हम एग्जांपल्स देखते हैं, ठीक है, तो वीडियो पॉज करो और इसको कॉपी करो, बहुत कंफ्यूजन होता है सम में ब्रेक करने में, ठीक है ना, याद क्या रखना है हमें, सम में कब ब्रेक करेंगे, जब एटलीस्ट वन ऑफ द टू जो मेरे को ब्रेक करने के बाद उधर लिख रहा हूं उनमें से एक फाइनाइट आना चाहिए, जीरो आ जाए तो भी चलेगा बट फाइनाइट आना चाहिए, इधर तो मेरी थी नॉन जीरो फाइनाइट, ठीक है ना। अगर मान लो जैसे मैं इधर ही, जैसे चलो इसी में एक चीज और मैंने बोला, अगर मान लो ये एक्स इज इक्वल टू इधर कॉस एक्स होता एक मिनट के लिए, तो देखो अब दिक्कत होती मुझे, अब दिक्कत कैसे होती, देखो अब मैं ब्रेक नहीं कर पाता, देखो ये वाला पार्ट को तो ब्रेक करके अलग कर देता क्योंकि ये तो अभी भी नॉन जीरो फाइनाइट है, मान लो ये एक मेरा फंक्शन है, अब मैंने इन दोनों को फंक्शन को पहले क्लब किया और एक फंक्शन ये है मेरा, तो अब मैंने एक्स पाई बाय टू रखा, तो ये क्या है मेरा नॉन जीरो फाइनाइट, माइनस वन बाय रूट टू, तो इसको तो मैंने हटा देता, लिख देता माइनस वन बाय रूट टू,
बट इसमें अब कोई बोले इसमें ब्रेक कर सकते हैं, इसमें नहीं कर पाते, क्यों? इसमें नॉन जीरो फाइनाइट नहीं आ रहा, जीरो आ रहा है एक्स टेंड टू पाई डब्ल्यू पाई बाई टू पे, ये जीरो आ रहा है, नाउ आई कैन नॉट ब्रेक, और ये भी फाइनाइट नहीं आ रहा है, ये तो इंडिटरमिनेंट आ रहा है, इनको ब्रेक नहीं कर सकता फिर। तो डिपेंड करेगा कैसे करेंगे, वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करेगा, बट एट प्रेजेंट अकॉर्डिंग टू द जो भी रूल, वी कैन नॉट ब्रेक दीज टू, बिकॉज दिस इज जीरो अप्रोचिंग, मुझे चाहिए था नॉन जीरो फाइनाइट, क्लियर है बच्चों? तो साइन एक्स था तब मेरा चल गया था, बिकॉज साइन पाई बाई टू इज वन, तब मैंने साइन एक्स को उठा के वन लिख दिया डायरेक्टली, क्लियर है? चलो हाँ, अब मैंने बोला जैसे कि सम वाले पे आते हैं, सम वाले के लिए देखना, मैंने लिखा लिमिट एक्स टेंड्स टू लेट से टू, चलो पहले मैं एक सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूँ विदाउट, मतलब उसमें एक्स स्क्वायर वगैरह इन्वॉल्व कर देता हूँ, टू इंटू एफ एक्स, ठीक है एक मिनट रुकना, अच्छा इधर एक काम करो, एफ एक्स लिख लो प्लस जी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एच ऑफ एक्स, ठीक है लिमिट एक्स टेंड्स टू, चलो इसको वन कर लो, सुनना आप ध्यान से सुनना, पहले तो मैंने देखा क्या ये प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन के फॉर्म में लिखा है, नहीं प्रोडक्ट ऑफ के फॉर्म में तो नहीं लिखा है, तो प्रोडक्ट वाली बात तो नहीं आती, अब सम वाले में आते हैं। तो अब ज्यादातर क्या होता है, बहुत से बच्चे इसको क्या करते हैं, दे विल राइट इट लाइक दिस वे, क्या x की जगह 1 इधर रखेंगे तो 1 स्क्वायर 1 प्लस 2 3 3 fx प्लस gx अपॉन h ऑफ x, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, क्लियर है? ऐसा क्यों कर रहे हैं, रॉन्ग क्यों है? मतलब अब खुद सोचो, अगर मान लो एक चीज तो ऐसी है कि सिंपल सी बात है कि अगर ऐसे रख पाते होते तो हम तो देखो फिर तो जितने भी अभी हमने क्वेश्चन किए, लेट्स से मैंने अगर ऐसे लिखा एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस थ्री, और मैंने बोला लिमिट एक्स टेंड्स टू वन, ठीक है अब तुम बोलो कि हम एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स की जगह इसकी जगह वन रख देते हैं, नहीं एक मिनट हाँ इतने पार्ट में वन रख देते हैं, ऐसा थोड़ी होता है, हमें पूरे में रखना पड़ेगा, ठीक है ना? मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकता है, वन की जगह मैंने इतने पार्ट में रख दिया, फिर लिखू वन माइनस थ्री एक्स प्लस टू अपॉन, और इधर मैंने इसमें रख दिया तो एक्स स्क्वायर प्लस थ्री माइनस फोर एक्स, दिस वे वी कैन नॉट डू, हम ऐसे नहीं कि कोई पर्टिकुलर पार्ट है एक्सप्रेशन का उसके अंदर रख देते हैं, नहीं ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है? अच्छा और एक और चीज, जैसे मैंने एक्सप्लेनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बोला था कि हम कब सेपरेट कर सकते हैं, वन ऑफ देम इज फाइनाइट, तो देखो एक्स जब हम सॉल्व करेंगे तब हम डेफिनेटली ब्रेक करेंगे, मतलब कहने का मतलब विदाउट ब्रेक, अगर मान लो पहले तो ट्राई किया विदाउट ब्रेक सॉल्व करने का, अगर नहीं होता है तो हमारा अगला स्टेप क्या होगा, विच इज करेक्ट स्टेप, ऑफ कोर्स देखना क्या लिख रहा हूं मैं, एक्स स्क्वायर प्लस टू इंटू एफ एक्स अपॉन एच एक्स प्लस जी एक्स अपॉन एच एक्स, बट इधर अब क्या होगा ना, मैंने ब्रेक कर दिया, ठीक है अब ये नॉन, अब ये इन दोनों में से एक फाइनाइट होगा तभी मैं आगे प्रोसीड करूंगा, समझ में आया क्या बोल रहा हूं मैं? क्योंकि अब देखो जैसे मान लो तुमने एक मिनट के लिए वेरीफाई नहीं किया, सुनना आप देखो हम गलत साबित, इसको साबित कर रहे हैं कैसे गलत है, अब मान लो तुमने x टेंड्स टू 1 इसमें रखा तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, 3fx अपॉन hx प्लस g ऑफ x अपॉन h ऑफ x, क्लियर है? अच्छा अब एक चीज और, मैंने उधर एक और चीज बोली थी कि एक बार सेपरेट कर दिया तो हम क्लब नहीं करेंगे, अब मान लो तुमने सेपरेट कर दिया फिर तुम्हें पता चला अरे यार ये दोनों तो अनडिफाइंड आ गए, मैंने क्या बोला, देखो दोबारा एक बार, हम ब्रेक तो करेंगे सॉल्व करने के लिए, बट हम करेंगे तो फिर उसके बाद देखेंगे कि दोनों में से कम एक फाइनाइट आ रहा है या नहीं, अगर आ रहा है तो वेल एंड गुड, आगे प्रोसीड कर देंगे, एक फाइनाइट आ गया तो कम से कम ये होगा ना कि छोटा पार्ट बचेगा बड़े फंक्शन का, और वही हमारा टारगेट होता है। मैंने फिर क्या बोल रहा हूं, देखना इस पॉइंट पर स्ट्रेस देना, अब जैसे अभी मैंने इसको फर्दर सॉल्व करते गया, अब मुझे मान लो इस स्टेप पे आके पता चला कि नहीं यार ये तो इनमें से कोई भी फाइनाइट नहीं आ रहा, तो मैं इस स्टेप पे इसको क्लब नहीं करूंगा, आई कैन नॉट राइट इट दिस 3fx प्लस g ऑफ x अपॉन h ऑफ x, ये तो यही चीज लिख दी ना, फिर तो गड़बड़ हो गया, ये तो बेईमानी हो गई, तुमने ऐसे घुमा के इसको ऐसे लिख दिया, क्लियर है बच्चों, समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? देखो धीरे धीरे ये वाला जो पॉइंट है ना, स्पेशली सम में जो ब्रेक करने वाला, वो तुम्हें क्वेश्चंस जैसे करेंगे ना, जैसे जैसे हमारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होगी वैसे वैसे और क्लियर हो जाएगा, अभी के अभी दिमाग में क्या रखोगे क्रिस्टल क्लियर, कि हम ब्रेक जब करेंगे, ब्रेक करेंगे तो हमें ये देखना है कि ये कोई इंडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं बन रही, और वो कब नहीं बनेगी, व्हेन एटलीस्ट वन ऑफ द टू इज फाइनाइट, एक भी फाइनाइट आ गया वी विल ब्रेक इट, क्लियर है?
समझ में आया? चलो अगर नहीं आता है तो मुझसे व्हाट्सएप पे दोबारा पूछ लो, ठीक है ना। आई विल एक्सप्लेन, मैं ऑडियो वगैरह से और ट्राई करूंगा एक बार भी बताने का तुम लोगों को, ठीक है। और नहीं तो डाउट सेशन में भी एक बार और इंक्लूड कर लूंगा इसको, ठीक है। तो क्या सीखा हमने कि सम में हम ब्रेक कब कर सकते हैं, एटलीस्ट वन ऑफ द टू इज फाइनाइट, क्लियर है। चलो अब मैंने और अब फोर्थ वाला, जैसे जैसे प्रोडक्ट था वैसे डिवीजन है, बिकॉज डिवीजन इज ऑल्सो काइंड ऑफ प्रोडक्ट ओनली। जैसे मैंने लिखा लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स, तो इसको मैं लिख सकता हूं लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स और अपॉन लिमिट एक्स टेंड्स टू ए जी ऑफ एक्स, अगेन प्रोवाइडेड आर एच एस इज नॉट अ इंडिटरमिनेट फॉर्म, लिख लो इधर प्रोवाइडेड, सेम कहानी है इसलिए मैं ज्यादा इसको एम्फसाइज नहीं कर रहा हूं, प्रोवाइडेड आर एच एस इज नॉट एनी इनडिटर्मिनेंट फॉर्म, ठीक है। अब सुनना, अब नेक्स्ट पॉइंट, अब नेक्स्ट जरूर इंपॉर्टेंट अबाउट, अब अगेन थोड़ा इंपॉर्टेंट आया। देखो एक तो देखो सबसे ज्यादा जो यूजफुल होगा ना वो तो प्रोडक्ट वाला ही होगा मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस के टाइम। तुम फैक्टर देखोगे कि कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म में है, अगर वो नॉन जीरो फाइनाइट होगा तो उसमें x की वैल्यू रख के बाहर निकालते जाओगे, एक्सप्रेशन छोटा होता चला जाएगा, ठीक है। अब मैं जो बता रहा हूँ वो भी उसके बाद में बोल सकता हूँ, सेकंड लेवल पे वो उसके बहुत क्वेश्चन आएंगे तुम्हें, दैट इज बेस्ड ऑन कंपोजिट फंक्शन। तो फिफ्थ वन है जो हमारा रूल है दैट इज फॉर द कंपोजिट फंक्शन। तो कंपोजिट फंक्शन क्या है हमारा, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। इसमें क्या करेंगे हम, देखना ध्यान से देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या किया हम लिमिट को अंदर अंदर लेके जा सकते हैं। कैसे, देखो ऐसे लिखूंगा, रिप्रेजेंट ऐसे करूंगा लिमिट एक्स टेंड्स टू ए जी ऑफ एक्स। इसके लिए ऑफकोर्स कंडीशन तो होगी, ऐसे तो है नहीं कभी भी लेके गए अंदर। द कंडीशन इज, ध्यान से सुनो, कि जो जी एक्स की लिमिटिंग वैल्यू है ना, जी एक्स की जो लिमिटिंग वैल्यू मतलब ये जो कुछ वैल्यू आएगी, लेट से ये एल है, मैंने बोला जी एक्स की जो लिमिटिंग वैल्यू है दैट इज एल, उस वैल्यू पर एफ एक्स कंटिन्यूअस होना चाहिए, देन ओनली वी कैन टेक द लिमिट इनसाइड। दोबारा एक बार एग्जांपल करेंगे हम इसके ऊपर। अभी क्या बोला मैं कि जो अंदर वाला फंक्शन है ना दैट इज जी एक्स, उसकी जो लिमिटिंग वैल्यू है उसके ऊपर जो बाहर वाला फंक्शन है दैट शुड बी कंटिन्यूअस, देन ओनली वी कैन टेक द लिमिट इनसाइड। लिख लो द फंक्शन, द ऐसे लिख लो द फंक्शन एफ एक्स शुड बी कॉन्टिन्यूस, द एफ एक्स शुड बी कॉन्टिन्यूस एट द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ जी ऑफ एक्स, देन ओनली वी कैन टेक द लिमिट इनसाइड। ऐसे लिख लो, देन ओनली वी कैन टेक द लिमिट इनसाइड, then only we can take limit inside, ठीक है। अब देखो जैसे एग्जाम्पल देखो, मैंने बोला एक कोई भी कंपोजिट फंक्शन ले लिया, लेट्स से e की पावर, मैंने बोला लिमिट x टेंड्स टू 1 e की पावर x स्क्वायर प्लस 5, ठीक है। तो दिस इज माय कंपोजिट फंक्शन, बाहर वाला मेरा फंक्शन क्या है e की पावर x और अंदर क्या है मेरा x स्क्वायर प्लस 5। तो मैं क्या बोला, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं e की पावर में लिमिट अंदर वाले पे ले गया x टेंड्स टू 1 x स्क्वायर प्लस 5। ऐसा क्यों कर पा रहा हूं, द रीजन इज इसकी जो लिमिटिंग वैल्यू है x टेंड्स टू 1 पे कितनी है 6, और 6 पे मेरा e की पावर x क्या होता है, कंटीन्यूअस होता है। e की पावर x तो हमेशा ही कंटीन्यूअस होता है, e की पावर x का ग्राफ भी नो बेसिक ग्राफ में देखा था एक्सपोनेंशियल ग्राफ। तो क्या बोला दोबारा, एक्सप्लेनेशन इज सिंस जो अंदर वाला फंक्शन है दिस, इसकी जो लिमिटिंग वैल्यू है विच हियर इट इज 6, उस वैल्यू पर ये जो फंक्शन है बाहर वाला दैट इज कंटिन्यूअस, हैंस वी कैन टेक द लिमिट इनसाइड। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा, e की पावर 6, दिस इज द आंसर। समझ में आया। अब एक आध एग्जाम्पल ऐसा लेता हूं जिसमें नहीं ले जा पाएंगे, तो लेट्स से मैं फ्रैक्शन पार्ट वगैरह इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, तो मैंने लिखा इसके अंदर एग्जाम्पल में, ध्यान से देखना, मैंने लिखा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस लेट्स से 2, और दिस इज माय एफ एक्स लिमिट एक्स टेंड्स टू लेट्स से 3 ले लेते हैं, चलो ठीक है। अब क्या करें,
तो देखो जो बाहर वाला फंक्शन है दैट इज माय ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और जो अंदर फंक्शन है दैट इज क्वाड्रेटिक एक्स स्क्वायर प्लस टू। अब हम क्या करें, अब देखना मैं इसको ऐसे नहीं लिखूंगा, कैसे, लिमिट, सॉरी अंदर लेके गया, लिमिट एक्स टेंड्स टू थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू, वी कैन नॉट राइट इट लाइक दिस वे। क्यों? क्योंकि जो अंदर वाले फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू है x is equal to 3 पे क्या है, 3 3 9 plus 2 11, 11 is a integer, और integers पे क्या होता है, greatest integer discontinuous होता है, hence we cannot break it like this way। क्या बोला दोबारा, मैंने बोला x tends to 3 पे जो अंदर वाला फंक्शन है उसकी लिमिटिंग वैल्यू कितनी है 11, और सिंस 11 is a integer, integers पे तो greatest integer फंक्शन क्या होता है मेरा, integer कितना होता है, एक मिनट, 3 3 9 प्लस 2 11, हाँ 11 पे तो ये डिसकंटिन्यूस है ना, तो वी कैन नॉट टेक लिमिट इनसाइड। अगर मान लो एक मिनट के लिए तुम लेके गए, अब मैंने बोला इसके आगे तुम्हारा स्टेप क्या होता, चलो हम इसको भी डिस्कस कर लेते, फिर आप एक्चुअली करेंगे कैसे। मैंने बोला अगर मान लो तुमने ये लिखा देन व्हाट इज द आंसर, मान लो एक सेकंड के लिए ऐसे मान लो यही क्वेश्चन आया तुम्हारा, फॉरगेट अबाउट दिस क्वेश्चन, हम आ रहे हैं इस क्वेश्चन पे, मैंने बोला ये तुम्हारा क्वेश्चन है मान लिया एक मिनट के लिए, देन टेल मी द आंसर, वीडियो पॉज करो इसको ट्राई करो, जस्ट पॉज द वीडियो एंड ट्राई, अच्छी चीज है वो। वैसे आगे हम इस चीज का डिस्कशन आगे लेने वाले हैं, ठीक है ना, बट अभी मैं बता रहा हूँ एक आ गया तो मैंने सोचा चलो बता ही देते हैं। देखो क्योंकि इधर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यूज होगी, देखो बहुत से बच्चे बोलेंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, द रीजन इज वॉट दे विल टेल, सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है वो, बहुत मजेदार चीज है। उसने बोला कि चलो ग्रेटेस्ट इंटीजर वगैरह इन्वॉल्व है तो हम LHL और RHL सेपरेटली कर रहे हैं, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं, तो लेट्स से LHL की बात करते हैं। अब LHL जब वो निकालेंगे तो वो क्या रखेंगे, इधर LHL में इधर 3 मतलब 2.9999 का स्क्वायर क्या होगा 8 पॉइंट समथिंग, प्लस 2 करेंगे तो 10 पॉइंट समथिंग बोलेंगे इसको, और फिर बोलेंगे 10 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर इज 10। अभी बता रहा हूँ क्या गलत है, उसी पर्सन का थिंकिंग फिर क्या होगा RHL की तरफ, x tends to 3 plus, मतलब 3.001 का स्क्वायर क्या होगा 9.00001, प्लस 2 करूंगा तो कितना आएगा 11 पॉइंट समथिंग, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा 11, फिर वो बोलेंगे सिंस LHL इज नॉट इक्वल टू RHS लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। और तुम लोगों में भी बहुत से लोगों ने ऐसे ही किया होगा, बहुत से मतलब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, बट इसका आंसर है लिमिट एग्जिस्ट करती है, लिमिट एग्जिस्ट आंसर इज एक्चुअली लिमिट एग्जिस्ट। फिर बोलेगा कोई सर LHL RHL तो बराबर आ ही नहीं रहे थे, वो गलत निकाले हैं हमने, वो गलत निकाला है, कैसे निकालेंगे द करेक्ट वे इज, अब सुनना कल के लेक्चर में मैंने तुम्हें बोला था कि जो लिमिट होता है, लिमिट जो होता है दैट इज एग्जैक्ट वैल्यू फंक्शन, जिस मैं क्या लिखते हैं, हम बोलते क्या है कि फंक्शन 5 की तरफ अप्रोच कर रहा है, तो मैं ये नहीं बोलता कि लिमिट 5 की तरफ जा रहा है, नहीं, लिमिट तो एग्जैक्ट 5 होता है, फंक्शन 5 की तरफ जा रहा है इसलिए माय लिमिट इज एग्जैक्ट 5। मैं ऐसे नहीं बोलूंगा लिमिट 5 के आसपास है या 5 की तरफ जा रहा है, लिमिट इज 5। तो अब सोचना इधर जो मेरा लिखा है ना, इधर मेरा क्या लिखा है दिस, अब जो देखो मैं ब्रैकेट में जो बना रहा हूं, दिस इज एग्जैक्ट आंसर, एग्जैक्ट समथिंग, एग्जैक्ट समथिंग क्या है उसका लिमिट, और वो होगा क्या x tends to 3, forget about greatest integer, एक मिनट के लिए x tends to 3 पे ये कहां जा रहा है x square plus 2, ये हमारा जा रहा है 11 की तरफ। अब मैं ये नहीं बोलूंगा कि LHS से जा रहा है या RHS से जा रहा है, दोनों से 11 की तरफ जा रहा है, तो दिस इज इसकी जो वैल्यू है दिस इज एग्जैक्ट 11। ऐसा नहीं करेंगे कि LHL के लिए इसको लिखेंगे 10 पॉइंट समथिंग और फिर 11 पॉइंट समथिंग, गलत हो जाएगा, दिस इज एग्जैक्ट 11, इसलिए मैं इस पर बहुत स्ट्रेस दे रहा हूँ, बहुत से बच्चे गलती करते हैं, उनको माइंड में ऐसा रहता है लिमिट मतलब अप्रोक्स वैल्यू, ऐसा नहीं है, लिमिट मतलब एग्जैक्ट वैल्यू, हम बोलते हैं फंक्शन अप्रोच कर रहा है उसको, ठीक है ना, लिमिट अप्रोच नहीं कर रहा है, लिमिट की तो एग्जैक्ट होती है, ठीक है, तो एग्जैक्ट 11 है, एग्जैक्ट 11 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, ऑफकोर्स 11, सो क्या है हमारा आंसर 11, क्लियर है बच्चों, चलो ये तो मैंने इसका बताया, ठीक है ना, चलो अब आते हैं हम एक्चुअल क्वेश्चन पे जो हमने स्टार्ट किया था। अब मैंने बोला एक बार और ये हम इधर ऐसे क्यों नहीं लिख पा रहे, बिकॉज जो अंदर वाला फंक्शन है, अंदर वाला फंक्शन की जो लिमिटिंग वैल्यू है दैट इज 11, वो इंटीजर है और इंटीजर्स पे बाहर वाला फंक्शन क्या होता है डिसकंटीन्यूअस, हेंस वी कैन नॉट टेक द लिमिट इनसाइड। तो अब करेंगे तो कैसे करेंगे, अब हमें LHL और RHL सेपरेटली निकालने पड़ेंगे। अब एक्चुअली वो वाला मेथड होगा जो हम इधर अभी करते आ रहे थे, अब क्या करें हम
अब एलएचएल और आरएचएल अलग अलग एनालिसिस करेंगे। तो एलएचएल के लिए क्या होगा मेरा, ये एक्स कहां जाएगा 2.99999 समथिंग, उसका जो स्क्वायर होगा दैट विल बी 8.9999 प्लस 2 करूंगा तो कितना होगा 10.999, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर विल बी 10। नाउ एलएचएल विल बी 10 फॉर दिस क्वेश्चन, नॉट फॉर दैट क्वेश्चन। समझ में आना चाहिए डिफरेंस क्या है दोनों क्वेश्चन में, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आरएचएल, सिमिलरली आरएचएल के लिए क्या करेंगे, एक्स 3 प्लस को जाएगा तो ये 3 प्लस को जाएगा तो ये कितना जाएगा 9 पॉइंट समथिंग प्लस 2 11 पॉइंट समथिंग, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर इज 11। इधर हम बोलेंगे सिंस एलएचएल इज नॉट इक्वल टू आरएचएल therefore limit does not exist, इधर limit exist करेगा and that value should be 11, ठीक है, एकदम clear होना चाहिए, बहुत ही ज्यादा important है, ठीक है ना। चलो एक आध एग्जाम्पल और ले लेते हैं, तो वीडियो पॉज करो और इसको कॉपी कर लो। अब मैंने लिया देखना ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस टू अपॉन लेट से 5 लिमिट एक्स टेंड्स टू 1। अब सुनो, अब पहले मैं लिख रहा हूं, कैन आई राइट दिस एज लिमिट एक्स टेंड्स टू 1, अब तुम्हारा एकदम क्लियर हो जाएगा यही वाला पॉइंट, 100% क्लियर हो जाएगा अपॉन 5। सुनना, कैन आई राइट इट लाइक दिस वे, वीडियो पॉज करो सोचो, तो आंसर मिलेगा यस वी कैन राइट इट दैट वे। द रीजन इज, अब हम इसकी लिमिटिंग वैल्यू निकालते हैं एक्स इज इक्वल टू 1 पे अंदर वाले फंक्शन की, दैट इज जी एक्स की, तो क्या आ रही है 1 plus 2, 3 by 5 पे तो ये कंटिन्यूस होता है, इंटीजर्स पे केवल डिसकंटिन्यूस होता है, इंटीजर्स पे जंप आता है एकदम, ब्रेक होता है ग्राफ, बाकी 3 by 5 पे तो कंटिन्यूस है, हेंस वी कैन ब्रेक इट लाइक दिस। अब तुम क्या करो, अब इसको सॉल्व करते हैं हम, तो अब तुम इसकी इसको भी ऐसे डायरेक्टली करो एलएचएल आरएचएल की तरफ से, या फिर ऐसे करो वन एंड द सेम थिंग। अब हमने ऐसे लिखा, अंदर लेके गए, अब बहुत आसान हो गया, अब एक्स टेंड्स टू 1 पे ये कहां जा रहा है 3 by 5 को जा रहा है, इसलिए अब देखा जो ब्रैकेट बना रहा हूं मैं, देखो एक चीज एक इधर और लिख देते हैं, एक बार स्पेसिफाई कर देते हैं, देखो मैं इधर हिंदी लैंग्वेज में लिख रहा हूं, देखना ये 3 by 5 की तरफ जा रहा है, तो मैं भी लिखना है, और अब देखना मैं दूसरा कलर से बना देता हूं, अब रेड वाला जो बाहर वाला लिमिट के साथ इंक्लूड किया है, यह एग्जैक्ट 3/2 है, सॉरी 3/5। अब देखो डिफरेंस समझ में आ गया होगा, क्लियर है, तो ये एग्जैक्ट 3/2 है, 3/5 है सॉरी, और 3/5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, ऑफकोर्स 0, द आंसर इज 0, आंसर इज 0 मतलब लिमिटिंग वैल्यू इज 0, तो लिमिट भी हमारा क्या बोलेंगे, लिमिट एग्जिस्ट एंड लिमिटिंग वैल्यू इज 0, क्लियर है। अब तुमने बोला चलो ठीक है, अब अगर अंदर लेके नहीं जाते तो कैसे करते, तो फिर तुम्हें इसमें भी वो एलएचएल और आरएचएल की तरह सेपरेटली करना पड़ता, तो देखो एलएचएल की तरफ करते, अब देखो और क्लियर हो जाएगा तुम्हारा फंडा। अब देखना एलएचएल की, अगर हम एलएचएल की तरफ से सोचते तो क्या करते, एक्स 1 को जा रहा है मतलब 0.9999, तो प्लस 2 करते तो कितना होता है 2.999, 2.999 डिवाइड बाय 5, इस 2.9 डिवाइड बाय 5 उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आता, 0, तो आंसर आता 0। अगर मान लो ये मेरा आरएचएल की तरफ से सोचते तो 1 पॉइंट समथिंग प्लस 2 3 पॉइंट समथिंग डिवाइड बाय 5 अगेन अ फ्रैक्शन, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आता, 0, तो यू कैन सी एलएचएल इज इक्वल टू आरएचएल हेंस द लिमिटिंग वैल्यू इज 0। अब तुम्हें समझ में, अब तुम्हें लॉजिक भी समझ में आ गया होगा इस दो एग्जाम्पल की मदद से कि ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब अंदर वाला फंक्शन कंटिन्यूस होता है तभी हम ब्रेक क्यों करते हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा, खुद सोचो बहुत मस्त पॉइंट है, अभी मैंने रीजन नहीं बोला था, अभी मैंने स्टेटमेंट लिखवाया था बस कि अंदर हम कब लेके जा सकते हैं, जब अंदर वाले फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू पे बाहर वाला फंक्शन कंटिन्यूस हो। बट अब तुम खुद से थियरी बनाओ, मतलब खुद से प्रूफ सोचो मन में कि ऐसा क्यों कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ दिस टू, और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को अब क्लिक कर गया होगा। देखो अगर ये इंटीजर आता ना, इंटीजर आता तो एलएचएल और आरएचएल पे इसका ड्रास्टिक चेंज होता, वो क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस है इंटीजर्स पे, बट अभी मेरा जो अंदर की वैल्यू आई वो इंटीजर्स नहीं आई इस पर्टिकुलर x = 1 पे, हैंस इसके LHL से जाऊं चाहे RHL से जाऊं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ कब फर्क पड़ता, जब ये इंटीजर आती, क्योंकि क्योंकि इंटीजर्स पे ये डिसकंटिन्यूस होता तो RHL पे इसकी लिमिटिंग वैल्यू अलग होती, LHL पे अलग होती, क्लियर है। आई होप अब क्लियर हो गया होगा, ठीक है अच्छा, तो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं।
दिस विल बी अवर नेक्स्ट पॉइंट दैट इज डोमिनेटिंग टर्म. इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं डोमिनेटिंग टर्म, और लिख लो इधर अप्रोक्सीमेशन. ए डबल पी आर ओ एक्स आई एम ए टी आई ओ एन. चलो समझते हैं क्या. देखो जैसे मान लो मैंने तुम्हें बोला कि अगर x मेरा लेट से 0.001 है, ठीक है, देन व्हाट विल बी x क्यूब. x क्यूब कितना होगा मेरा 0.00 कितना आ जाएगा, ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. सुनना मैं क्या बोल रहा हूं. मैंने बोला अगर x 0.001 है तो व्हाट अबाउट x क्यूब क्या है मेरा, बहुत छोटा है इसके कंपैरिजन में. तो देखना क्या अप्रोक्सीमेशन है क्या हम बेसिकली. तो फिर अगर x बहुत छोटा है मतलब जीरो के पास है, तो x प्लस x क्यूब दिस विल बी ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली आई कैन मेक इट इक्वल्स टू x ओनली. समझ आ रहा है. जैसे अगर x स्क्वायर भी होता, लेट से x स्क्वायर भी होता, तो x स्क्वायर को क्या लिखते हैं 0.00001. सो x प्लस x स्क्वायर विल बी माय x ओनली. समझ में आया अप्रोक्सीमेशन. देखो अभी तो मैं वैसे देखो ये तो फिर भी बहुत बड़ा नंबर है x, अगर मैंने ये ले लिया ना ये तो फिर भी बहुत बड़ा नंबर है. बट जब हम लिमिट की बात करते हैं ना तो हम उधर लेते हैं x टेंडिंग टू जीरो, मतलब जीरो के बहुत नजदीक, बहुत नजदीक मतलब 0.0000, 100,000 बार जीरो लगा दिया फिर 1 लगा दिया. अब सोचो जब मैं उसका स्क्वायर करूंगा तो उसके कंपेरिजन वो नंबर कितना छोटा हो जाएगा. इसलिए आई कैन से क्या कि अब देखना क्या स्टेटमेंट मेरा होगा कि अगर कोई पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है अगर उसमें जो डोमिनेटिंग टर्म होगा कौन सा होगा, जिसकी पावर सबसे छोटी होगी, जिसका एक्सपोनेंट सबसे छोटा होगा. हियर इट इज एक्स, तो दिस विल बी इक्वेटेड टू एक्स. तो कुछ टफ कॉन्सेप्ट नहीं, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है बट बहुत यूजफुल है, बहुत यूजफुल है, इजी है बट बहुत यूजफुल है. तो पहले मैं स्टेटमेंट लिख लेते हैं हम इसके ऊपर क्या लिखेंगे. मैंने लिखा देखो पहले मैं इसको रब कर रहा हूं, तुम लोग कॉपी करो. मैंने लिखा इफ एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड जीरो then the polynomial expression, ऐसे लिख लो, then the polynomial expression can be या फिर will be approximately equals to, then the polynomial expression will be approximately equals to the term with least exponent and in its comparison इट्स मेरा मतलब है लोएस्ट एक्सपोनेंट वाला टर्म एंड इन इट्स कंपैरिजन रेस्ट ऑफ द टर्म्स कैन बी नेग्लेक्टेड प्रोवाइडेड, इसका मतलब बताऊंगा अभी, प्रोवाइडेड द पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन मस्ट बी इन प्रोडक्ट फॉर्म ऑफ एंटायर एक्सप्रेशन. पहले लिख लो उसके बाद इसको समझते हैं, ठीक है, क्या बोल रहा है वो. तो जैसे मैंने उधर एक्सप्लेन किया था कि कोई अगर पॉलिनोमियल है, ठीक है ना, और अगर हमें पता है कि x अगर जीरो के अप्रोच कर रहा है मतलब जीरो के बहुत पास में है, तो हम क्या करेंगे, जो पॉलिनोमियल होगा ना उसमें जो सबसे लीस्ट एक्सपोनेंट वाला टर्म होगा वो हम पूरे पॉलिनोमियल को बोलेंगे, वो पूरा पॉलिनोमियल उस लीस्ट एक्सपोनेंट के बराबर हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने लिखा लिमिट, अभी मैं इस वाले पॉइंट पे आ रहा हूं, ठीक है ना, प्रोवाइडेड वाले के ऊपर अभी आते हैं हम इस पॉइंट पे, पहले मैं उससे ऊपर वाला पॉइंट. जैसे मैंने लिखा लिमिट x टेंड्स टू जीरो और इधर लिखा x की पावर 5 प्लस 5x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर. सो आई कैन इक्वेट दिस एज 3x स्क्वायर. दिस विल बी ऑलमोस्ट इक्वल्स टू 3x स्क्वायर. कब? व्हेन x इज टेंडिंग टुवर्ड जीरो. दिस यू हैव टू कीप इन माइंड. अगर x जीरो को जाएगा तो सबसे लीस्ट
पावर वाला टर्म कौन सा है? एक्सपोनेंट वाला, 3x2, सो आई कैन इक्वेट दिस. इसने वही बोला, if x tends to 0 then the polynomial expression will be approximately equals to the term with least exponent and in its comparison, matlab jo least exponent wala term hai iske comparison mein rest of the terms can be neglected. Tum in dono ko neglect kar diya, provided ab aate us point pe, provided the polynomial expression must be in product form of entire expression. Samajh mein aaya? Jaise maine aur likha, maine likha limit x tends to 0 और लिख दिया x की पावर 7 प्लस 4x³ माइनस 3x² प्लस 5. अब सुनो, अब इधर मेरा लीस्ट एक्सपोनेंट क्या होगा? इस ये वाला टर्म होगा. क्या हो जाएगा? 5 इंटू एक्स की पावर 0 है तो दिस कैन बी अप्रोक्सीमेटली टू इक्वल्स टू 5. वैसे भी दिख रहा है अगर x 0 को जाएगा तो ये भी ऑलमोस्ट 0 को जाएगा, ये भी 0 को जाएगा, ये भी 0 को जाएगा. तो 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 5 विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 5. मैं अप्रोक्स वर्ड यूज कर रहा हूं बट मोर और लेस इट इज एग्जैक्ट ओनली. ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस होगा बट वी कैन यूज दिस इन अवर क्वेश्चंस प्रोवाइडेड एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0. क्लियर है बच्चों? अच्छा, अब आपने प्रोवाइडेड द पॉलीनोमियल मस्ट बी इन एंटायर फॉर्म, इसका मतलब क्या है? तो पहले उसको उससे पहले मैं इसको रब कर रहा हूं, तुम लोग कॉपी कर लो. मैंने बोला ये कब काम आएगा हमारा? जब जो पॉलीनोमियल है ना वो प्रोडक्ट फॉर्म में हो पूरे हमारे बाकी रिमेनिंग फंक्शन में. जैसे मैंने लिखा एफ एक्स लिमिट x टेंड्स टू 0 और इधर लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस 3x+2 इंटू एफ एक्स और अपॉन लेट से जी एक्स, ऐसे लिखा है. ठीक है, एफ एक्स और जी एक्स कुछ तो होगा एक्सप्रेशन ऑफ x, अभी मैंने लिखा नहीं है बट मान लिया ऐसे कुछ तो है. तो अब वो बोल रहा है कि अब ये प्रोडक्ट फॉर्म में है ना, किसके? इस पूरे एंटायर एक्सप्रेशन के. देयरफॉर इसको आई कैन इक्वेट, चलो 2 भी हटा देता हूं मैं, इसको मैं लिख सकता हूं केवल 3x. तो मतलब दिस इज इक्वल्स टू 3x इंटू एफ एक्स अपॉन जी एक्स. तो फिर को बोलेगा सर अभी तो आपने वैसे भी इक्वेट किया था, तो उधर तो मेरा क्या था? केवल पॉलिनोमियल अकेला था ना, अभी जो मैंने एग्जांपल लिया था उसमें कुछ था ही नहीं, तो बाकी मैं समझ लिया मैंने. अब देखो, अब उसने बोला प्रोडक्ट में होगा तभी करेंगे, सम में नहीं करेंगे. जैसे कि मान लो मैंने लिखा लिमिट x टेंड्स टू 0 x² प्लस x प्लस लेट्स से cos x अपॉन लेट से साइन एक्स लिखा है, कुछ तो ऐसा लिखा है. ठीक है, समझाने के लिए ले रहा हूं, ऑफकोर्स अभी जरूरी नहीं ये वैलिड हो. ठीक है ना, वैसे तो ये डज नॉट एक्जिस्ट आ रहा है क्योंकि 0 प्लस 0 प्लस 1 ये इंडिटरमिनेंट फॉर्म ही नहीं है. ठीक है ना, अभी के लिए चलो मैं इसको बना देता हूं. लो मैंने इसको लिख लिया 2 sin x, लेट से ये क्वेश्चन है. ठीक है, अब वो क्या बोल रहा है कि अब मैं इस वाले पार्ट को ना, ऐसा नहीं कि इसको मैं अब x के बराबर कर दूं, नहीं ये गलत हो जाएगा क्योंकि जब पॉलिनोमियल है ना अभी ये पूरे एक्सप्रेशन की प्रोडक्ट फॉर्म में नहीं है, अभी मैं इसको ऐसे एक्स नहीं लिख सकता. ठीक है ना, तो पॉलिनो ये उस लाइन का मतलब है, नहीं तो मैं इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते. दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स प्लस 2 sin x अपॉन साइन एक्स, ये गड़बड़ हो जाएगा. समझ में आया बच्चों? तो द एक्सप्रेशन दैट शुड बी इन प्रोडक्ट फॉर्म ऑफ एंटायर एक्सप्रेशन. क्लियर है? अब इसी का विदाविज क्या होगा मेरा, इन्फिनिटी के लिए डील कर लेते हैं. अगर मान लो एक्स इन्फिनिटी को जाएगा तब क्या होगा मेरा, जो सबसे हाईएस्ट पावर वाला होगा वो डोमिनेट करेगा, वो डोमिनेटिंग होगा. कैसे? जैसे मैंने लिखा अगर एक्स लेट से मेरा इतना है, चलो मैंने ले लिया 10,000 ले लिया, 10,000 ले लिया, तो एक्स क्यूब एक्स, चलो एक्स स्क्वायर ही बात कर लेते, एक्स स्क्वायर कितना होगा? 4 0 है ना, और ये 4 0 और ये 4 0, इतना बड़ा नंबर आ जाएगा. सॉरी स्क्वायर है तो ये डालो, इतना बड़ा नंबर आ जाएगा. तो कैन आई से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एक्स स्क्वायर ओनली? ऑफ कोर्स, अभी तो एक्चुअली क्या है कि ये फिर भी बहुत ज्यादा बड़ा नंबर नहीं है. जब हम इन्फिनिटी की बात करते हैं तो इन्फिनिटी मतलब तो ये होता है कि जिसका कोई अंत ही नहीं है, इतना बड़ा नंबर है. तो उसका स्क्वायर लूंगा तो कितना बड़ा नंबर होगा सोचो. तो फिर हम छोटे वाले नंबर को नेग्लेक्ट कर सकते हैं ना, तो वही चीज इधर बोल रहा है. तो अब मैं क्या लिखूं, वही नोट तुम लोग लिखो. मैं बोल रहा हूं इफ एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड इंफिनिटी, अगर एक्स इंफिनिटी को जा रहा है तब मेरा सिनेरियो उल्टा हो जाएगा. क्या? कि जो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है उसमें जो हाईएस्ट डिग्री वाला टर्म होगा ना, हाईएस्ट एक्सपोनेंट वाला टर्म, दैट विल बी द डोमिनेटिंग टर्म एंड इन कंपैरिजन टू द अदर टर्म्स, अदर टर्म्स विल बी नेग्लेक्टेड कंपेयरिंग ऑन कंपैरिजन टू इट. Provided जो polynomial expression हो, again that should be product form. तो वही चीज लिखो, बस इधर क्या आ जाएगा मेरा, the term with higher exponent. उधर क्या था? Least degree term, least exponent वाला, इधर highest वाला आएगा. समझ में आया? The reason is क्योंकि इधर x infinity को जा रहा है, तो इधर मेरे highest power वाले dominating term होंगे.
आई होप क्लियर हुआ होगा। चलो अब इसके एग्जांपल से समझते हैं हम थोड़ा। जैसे मैंने लिखा, ये दोनों का एग्जांपल क्लब करके ले रहा हूं, मैं एक साथ ही ले रहा हूं। देखना जैसे हमारे क्वेश्चन किस तरह के बनेंगे, मैंने पहले जीरो वाले ले लेते हैं। जैसे मैंने लिखा लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन एक्स क्यूब प्लस फोर एक्स। मैंने लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो ये है, सॉल्व दिस। तो क्या होगा हमारा आंसर, देखो अब देखो कितना फास्ट होगा कैलकुलेशन, सुनना। डोमिनेटिंग की तरफ चलते हैं, एक्स जीरो को जा रहा है तो फर्स्ट आई विल फोकस ऑन न्यूमरेटर वाला पॉलीनोमियल। तो न्यूमरेटर वाले पॉलीनोमियल में अब ये जो पॉलीनोमियल है इसको मैं लिख सकता हूँ, ये जो पॉलीनोमियल है इसके प्रोडक्ट फॉर्म में, वन अपॉन दिस के प्रोडक्ट फॉर्म में है ना, इसको आई कैन अप्रोक्सीमेटली राइट एक्स। और सिमिलरली नीचे वाले को मैं क्या लिख सकता हूँ, फोर एक्स। तो एक्स से एक्स का आंसर इज 1/4। समझ में आया? और लिखते हैं, जैसे मैंने कहा लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो फाइव एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस नाइन एक्स अपॉन, चलो थ्री एक्स स्क्वायर तक ही लिखा, और इधर लिख दिया इलेवन एक्स की पावर फाइव प्लस फोर एक्स स्क्वायर। सो देन व्हाट इज माय आंसर, आंसर इज 3/4। कैसे आया? इसके कंपैरिजन में ये वाला टर्म नेग्लेक्ट, इस पॉलीनोमियल में ये वाला टर्म नेगलेक्टेड। तो एक्स एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया, यू विल गेट 3/4। आई होप क्लियर हो गया होगा इसका एप्लीकेशन इन द क्वेश्चन। डोमिनेटिंग टर्म का बहुत फ्रूटफुल है, मतलब कैलकुलेशन इतना फास्ट हो जाएगा हमारा। चलो और देखते हैं, मैंने लिखा लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो लेट्स से सिक्स एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस नाइन एक्स अपॉन फाइव एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री। अब सोचो एक मिनट के लिए क्या होगा, जस्ट थिंक इट वंस। अब देखना, अब अगेन पॉलीनोमियल है, प्रोडक्ट फॉर्म में है, तो अब मैं इसमें कैसे लिखूं, जो ऊपर वाला पॉलीनोमियल है उसमें 9x जो है दैट इज द लीस्ट डिग्री पॉलीनोमियल, तो उसके कंपैरिजन में ये दोनों नेगलेक्ट हो गए। सो न्यूमरेटर तो आ गया 9x। अब नीचे डिनोमिनेटर में आते हैं, इन दोनों के कंपैरिजन में, इसके कंपैरिजन में ये दोनों नेगलेक्ट हो जाएंगे, तो इधर बचेगा 3, तो यू विल गेट 3x। और लिमिट x टेंड्स टू 0 पे 3x क्या होगा, 0। तो फाइनल आंसर इज 0। क्लियर हुआ बच्चों? अच्छा और एग्जांपल देखते हैं। मैंने लिखा कि लेट्स से लिमिट x टेंड्स टू 0, और चलो मैं ऐसे लिख रहा हूं 6x क्यूब प्लस 9x प्लस 4 अपॉन x की पावर 5 प्लस 6x। लेट्स ऐसे लिखा और लिमिट x टेंड्स टू 0, टेल मी द आंसर नाउ। वीडियो पॉज करके पहले मतलब सोचो क्या होगा। देखो अगेन पॉलीनोमियल प्रोडक्ट फॉर्म में इस वाले के, मतलब कैसे, अब देखो बहुतों को समझ में नहीं आएगा, प्रोडक्ट मतलब ये लिखा है समझ लो, दिस इनटू वन अपॉन दिस। तो इस पॉलीनोमियल में आई कैन नेगलेक्ट दिस दिस, तो यू विल लेफ्ट आउट विद 4, और डिनोमिनेटर में ये नेगलेक्ट हो जाएगा, तो यू लेफ्ट आउट विद 6। सो अब बताओ लिमिट x टेंड्स टू 0 पे क्या होगा, दिस विल बी डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि 4 अपॉन ये होगा 1/x ना, तो प्लस इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी आएंगे LHL एंड RHL रिस्पेक्टिवली, hence the limit does not exist। क्लियर हो गया बच्चों? तो तीन आंसर आ सकते हैं ऐसे हमें। देखना अभी मैं एक और थियरी बना रहा हूं, देखना सुनना। इसलिए मैंने ऐसे एग्जांपल लिए, देखो इसमें तो मेरा आया कांस्टेंट, इसमें मेरा आया 0, इसमें आया मेरा does not exist, ठीक है। अब सुनना एक थियरी बना रहा हूं, उसके लिए उसके पहले मैं एक टर्म यूज कर रहा हूं, एक मिनट रुको, ये मेरा हाँ ठीक है, हाँ चलो इसके आधार पे मैं एक टर्म लिख रहा हूँ इफेक्टिव डिग्री। सुनना पहले सुन लो, उसके बाद मैं थियरी बना रहा हूँ। इफेक्टिव डिग्री पहले लिख लो, इफेक्टिव डिग्री। अब सुनना क्या है, इफेक्टिव डिग्री को मैंने ऐसे डिफाइन कर रहा हूँ, जो डोमिनेटिंग टर्म होगा ना उसकी जो पावर होगी दैट इज इफेक्टिव डिग्री। क्या लिख रहा हूँ, पावर या फिर एक्सपोनेंट ऑफ डोमिनेटिंग टर्म, एक्सपोनेंट ऑफ डोमिनेटिंग टर्म इज व्हाट, इफेक्टिव डिग्री। लेट्स से मैंने, चलो मैं इसको ड्रॉप कर देता हूं पहले, अभी दोबारा आता है इसी पॉइंट पे। इफेक्टिव डिग्री मतलब क्या होगा, टर्म एक्सपोनेंट ऑफ डोमिनेटिंग टर्म। मैंने लिखा लिमिट x टेंड्स टू 0 x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 2x, तो इसका इफेक्टिव डिग्री क्या होगा, 1, क्योंकि इधर जो इफेक्टिव डोमिनेटिंग टर्म है वो ये है, इसका जो एक्सपोनेंट है वो क्या है, 1, तो आंसर इज 1। मैंने लिखा लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी x की पावर 4 प्लस 7x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर,
इसका इफेक्टिव डिग्री क्या होगा? हियर इट विल बी 4, क्योंकि अब इंफिनिटी है तो डोमिनेटिंग टर्म ये हो जाएगा, हेंस द इफेक्टिव डिग्री इज 4। क्लियर है? अब देखना, अब मैं एक थियरी बना रहा हूं, क्या है सुनना, ध्यान से सुनना, तुम वीडियो पॉज करके पहले ये लिख लो एक बार, ठीक है? अब जैसे अभी मैंने इससे पहले जो तीन एग्जांपल लिए, इसमें क्या हो रहा था मेरा, चलो एक बार लिख ही लेते हैं। मैंने लिखा उसी टाइप के एग्जांपल लिख रहा हूं मैं, थोड़ा डिफरेंट। मैंने लिखा लिमिट x टेंड्स टू 0, एज ए क्वेश्चन भी यू कैन ट्रीट इट। मैंने लिखा 3x³ + 7x + 5 / 5x² + 10x + 20, ठीक है, एक ये लिया। और दूसरा ले लिया लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है, 7x² + 3x / 5x - 4। और तीसरा सिनेरियो लिया मैंने लिमिट x टेंड्स टू 0 और 5x³ + 3x + 7 / 9x³ - 3x। लेट्स से दीज आर माय थ्री सिनेरियोस। तो पहले तुम एक काम करो, तीनों का आंसर लिखो, वही एग्जांपल है जो मैंने उधर लिए थे, ठीक है ना? थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ आंसर आने वाले हैं, देखो कैसे। पहले वाले का आंसर x टेंड्स टू 0 है, तो ये नेगलेक्ट, ऊपर बचा 5 और ये नेग्लेक्ट, नीचे बचा 20, तो 1/4 एक कॉन्स्टेंट आ गया मेरा। इस केस में मेरा इन दोनों में से ये कैंसिल हो गया और इधर मेरा ये कैंसिल हो गया, तो क्या बचा? 3x/4। फिर x टेंड्स टू 0 पे 3x/4 किसके बराबर हो जाएगा? 0। तो इधर आया मेरा 0। अब इधर x टेंड्स टू 0 पे ये खत्म, ये खत्म, 7 डोमिनेटिंग है, 7 बचा, और इधर मेरा 9x³ खत्म, -3x बचा। इधर मेरा x टेंड्स टू 0 पे क्या हो जाएगा? डज नॉट एग्जिस्ट, प्लस माइनस इंफिनिटी आएंगे, मतलब प्लस माइनस इंफिनिटी, दैट इज डज नॉट एग्जिस्ट। अब सुनना मैं क्या लिख रहा हूं। तो तीन सिनेरियो है, एक तो मेरा कांस्टेंट आया, एक मेरा जीरो आया और एक डज नॉट एग्जिस्ट आया। तो सुनना, इसके आधार पे मैं क्या लिख रहा हूं कि अगर, सुनना, मैंने लिखा कि पॉलिनोमियल दिया है, पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल, और अगर मान लो मेरा और अभी लिमिट चल रही है x टेंड्स टू 0 की बात, इसको नोट के फॉर्म में लिखना, ठीक है? क्या बोला मैंने, लिमिट x, ऊपर नहीं लिखते हैं, इधर लिख लेते हैं, लेट मी राइट इट हियर, लिमिट x टेंड्स टू 0 की बात चल रही है, ठीक है? मैंने बोला विद रिस्पेक्ट टू इफेक्टिव डिग्री बात कर रहा हूं मैं। मैंने बोला अगर इफेक्टिव डिग्री न्यूमरेटर में अगर हायर है और नीचे अगर लोअर है, इफेक्टिव डिग्री ऐसे लिख लो, लिमिट नोट करके लिख लो, और इधर लिख लो विद रिस्पेक्ट टू इफेक्टिव डिग्री, ईडी, ईडी स्टैंड फॉर इफेक्टिव डिग्री। मैंने बोला अगर लिमिट x टेंड्स टू 0 है, हायर अपॉन लोअर है, हायर अपॉन लोअर है, तो मेरा कौन सा सिनेरियो हो गया? सॉरी, हाँ, हायर अपॉन लोअर है, तो क्या हो जाएगा मेरा आंसर? विल बी 0। हायर से मेरा मतलब है हायर डिग्री, ठीक है? अच्छा, फिर मैंने लिखा लिमिट, अच्छा इसी में मैंने, अगर लोअर अपॉन हायर होगा तो मेरा आंसर क्या होगा? इन्फिनिटी। और इक्वल अपॉन इक्वल सेम होगा तो मेरा आंसर क्या होगा? फाइनाइट। आई होप यू कैन रिलेट इट विद इट, रिलेट कर पा रहे होगे, समझ में आया? देखो मैंने बोला इफेक्टिव डिग्री अगर न्यूमरेटर का हायर है, डिनोमिनेटर का लोअर है, इफेक्टिव डिग्री, तो आंसर विल बी 0। जैसे मेरा इधर केस आया, तो इधर इफेक्टिव डिग्री कितना था न्यूमरेटर का? 1। डिनोमिनेटर का इफेक्टिव डिग्री कितना था? 0। तो 1 इज ग्रेटर देन 0, हायर अपॉन लोअर, आंसर इज 0, 0। अच्छा, उसके बाद अब चलो ये वाला लेते हैं, डज नॉट एग्जिस्ट वाला। अब मैंने लिखा इफेक्टिव डिग्री न्यूमरेटर का कितना है? 0, बिकॉज 7x, 7 × x^0 है, और डिनोमिनेटर का इफेक्टिव डिग्री कितना है? 1। तो लोअर अपॉन हायर, लोअर अपॉन हायर, इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी मीन्स डज नॉट एग्जिस्ट। लास्टली, अगर इफेक्टिव डिग्री न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का बराबर होगा, तो देखो इधर भी 0 है इफेक्टिव डिग्री, इधर भी इफेक्टिव डिग्री 0 है, तो इक्वल अपॉन इक्वल का क्या होगा? आंसर फाइनाइट। तो समझ लो थ्योरी बन गया हमारा, आया, क्लियर हुआ? एक बार और, अभी जैसे अपने इन्फिनिटी का केस डिस्कस करूंगा तो दोबारा एक बार रिकॉल हो जाएगा, ये हमारा रिवाइज हो जाएगा, ठीक है? तो एक काम करते हैं, अब इन्फिनिटी वाला डिस्कस करते हैं, ठीक है? चलो, तो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी कर लो। अब देखना, मैं इन्फिनिटी वाला ले रहा हूं सिनेरियो, तो हमारा क्या हो गया देखना। मैंने लिया लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, और चलो 5x³ + 3x² + 7 / 20x³ + 9x + 5। एक लेता हूं लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी,
चलो ठीक, चलो ले लेते हैं इसको। इन्फिनिटी हो गया, ये हो गया हमारा 5x की पावर 4 +7x² +11 upon 3x³ +7x। चलो इसको भी 11 हटा दो, छोड़ जाने दो। फिर मैंने लिखा लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 5x³ + 3x² upon 11x की पावर 4 +12x + 5, लेट्स से। अब तुम आंसर लिखो पहले, ठीक है ना? उसी वही हम इफेक्टिवली वही नोट बनाएंगे, हायर अपॉन लोअर, लोअर अपॉन हायर। अब इधर यू विल सी द सिनेरियो विल बी रिवर्स। कैसे देखो, पहले तो इसका एक्सप्लेनेशन आंसर क्या होगा। तो x टेंड्स टू इन्फिनिटी है, जो न्यूमरेटर और पॉलीनोमियल है, दैट कैन बी, इसमें क्या होगा, ये टर्म नेग्लेक्ट हो जाएगी, तो दिस विल बी 5x³ अपॉन, ये टर्म नेग्लेक्टेड, 12x³, 20x³। तो x³ से x³ कैंसिल, दिस इज 1/4। अब आते हैं इस पे, x टेंड्स टू इनफिनिटी है, ये टर्म नेग्लेक्टेड न्यूमरेटर के पॉलीनोमियल में, और डिनोमिनेटर में ये टर्म नेग्लेक्टेड, तो यू विल गेट 5x³ अपॉन 3x³, व्हिच इज फर्दर इक्वल्स टू 5x अपॉन 3। अब x टेंड्स टू इनफिनिटी पे ये क्या होगा, इनफिनिटी। अब इधर आते हैं, x टेंड्स टू इनफिनिटी पे ये नेग्लेक्टेड, ये नेग्लेक्ट, ये नेग्लेक्ट, तो ये कितना बचा, 5x³, और नीचे बता 11x की पावर 4, व्हिच इज फर्दर इक्वल्स टू 5 अपॉन 11x। अब x टेंड्स टू इनफिनिटी पे क्या क्या होगा, ये x टेंड्स टू इनफिनिटी पे दिस इज 0। तो इधर भी हमारे 3 सिनेरियो बन गए, ठीक है, समझ में आ रहा है? अच्छा अब सुनना, अब मैं वही लिख रहा हूं लिमिट, अब मेरा हो गया लिमिट x टेंड्स टू इनफिनिटी के लिए, और विद रिस्पेक्ट टू इफेक्टिव डिग्री क्या लिख रहा हूं मैं, आप देखना, हायर अपॉन लोअर, लोअर अपॉन हायर, और एक लिख रहा हूं इक्वल अपॉन इक्वल, इक्वल अपॉन इक्वल। अब सुनना, हायर अपॉन लोअर, तो इफेक्टिव डिग्री हायर ये वाली थी हमारी, इधर थी, इसका इफेक्टिव डिग्री क्या है, न्यूमरेटर का हायर है, इधर लोअर है, आंसर क्या मिला, इंफिनिटी, तो इंफिनिटी। लोअर अपॉन हायर ये वाला केस, इफ न्यूमरेटर का इफेक्टिव डिग्री 3, डिनोमिनेटर का, सॉरी हाँ, डिनोमिनेटर का 4, तो लोअर अपॉन हायर, आंसर मिला 0। तो ये सीधे, अगर दोनों का इफेक्टिव डिग्री बराबर होगा, जैसे कि इधर है, इधर 3 है, नीचे वाले का भी 3 है इफेक्टिव डिग्री, तो आंसर क्या आएगा, कॉन्स्टेंट, दैट इज 1/4। तो हो गया हमारा कंप्लीट, ये हो गया नोट के फॉर्म में हमारा, विद रिस्पेक्ट टू इफेक्टिव डिग्री, अगर एक्स इंफिनिटी को जाएगा, और ये किसके लिए डिस्कशन चल रहा है, केवल पॉलीनोमियल के लिए, याद रखना, और कहीं नहीं लगाना है भाई, पॉलीनोमियल के लिए, ठीक है? अच्छा चलो आगे और देखते हैं, कुछ क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों? चलो अब सुनना, जैसे ये वाला जो क्वेश्चन था ना, इसको देखो, इसको समझने का एक और तरीका है, इफेक्टिव डिग्री से तो मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया, एक और तरीका है इन सब एक्स, जो इन्फिनिटी वाले हैं ना, इनको समझने का, कैसे वो देखते हैं, मैं इसको रब कर रहा हूं, पहले वो देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम क्वेश्चंस पे जंप करेंगे। मैंने बोला क्या कि जैसे लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी x³ + 4x² चलो 2x³ + 4x² + 11 upon 5x³ + 2x² +, चलो इसको और बढ़ा देते हैं, +3x + 4, और इधर लिख देते हैं 5x + 6। चलो अब मैंने बोला क्या होगा आंसर, तो डोमिनेटिंग से तो तुरंत आ जाएगा, ये डोमिनेटिंग टर्म है, तो इधर हो जाएगा 2x³, बाकी सब नेग्लेक्ट, और नीचे ये डोमिनेटिंग, तो 5x³, तो आंसर इज 2/5। बट मैंने बोला इसको एक और तरीके से समझते हैं हम, ठीक है, क्या है वो भी अच्छी तरीका है वैसे। क्या किया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में x³ से डिवाइड कर दिया, तो डिवाइड किया, तो ये क्या बचेगा 2, प्लस ये बचेगा 4/x, ये क्या बचेगा 3/x², और ये बचेगा +4/x³ अपॉन, ये हो गया 5 + 2/x + 5/x² + 6/x³। अब मेरे को लगाना लिमिट x टेंड्स टू 0, सॉरी इन्फिनिटी। अब देखो आंसर आ जाएगा, अब दोबारा x अगर इन्फिनिटी को जा रहा है, तो 4/x कहाँ जाएगा, 0 अप्रोचिंग, ये भी 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 0 अप्रोचिंग, तो यू विल गेट 2/5। समझ में आया, क्लियर है? वैसे भी कर सकते हैं, जैसे मान लो मैंने ये, तुम कॉपी कर लो, अब इसी क्वेश्चन में चेंज कर रहा हूं, मैंने क्या किया, इसको हटा दिया, अब हम आंसर लिखते हैं दोबारा, तो इसको मैं हटा रहा हूं, अब देखना, अब डोमिनेटिंग टर्म से हम करते हैं, तो क्या लिखते हैं, 2x³ ऊपर और नीचे आता 2x², तो दिस विल बी x, और लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी पे ये इंफिनिटी हो जाता। अब हम वैसे करते हैं x³ से डिवाइड करके, तो देखो हाईएस्ट डिग्री, हाईएस्ट जो है ना, उससे डिवाइड करो, सो दैट एक कांस्टेंट आ जाए, तो 2 + 4/x
प्लस थ्री बाय एक्स स्क्वायर प्लस फोर अपॉन टू बाय एक्स प्लस फाइव बाय एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स बाय एक्स क्यूब. क्या किया, एक्स क्यूब से डिवाइड किया. नाउ यू कैन सी ये खत्म ये खत्म ये फोर बाय एक्स क्यूब है ये खत्म. सिमिलरली ये खत्म ये खत्म ये खत्म तो ये कितना आया 2 बाय 0 विच इज नथिंग बट इंफिनिटी. सेम आ रहा है, समझ में आया क्या हुआ. तो इसी इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे ना जिनमें x टेंड्स टू इंफिनिटी होगा तो हम क्या करेंगे, जो हाईएस्ट पावर वाला है ना उससे डिवाइड कर देंगे. और इन शॉर्ट एक माइंड में ऐसे रख लो कि आंसर विल बी, अगर फाइनाइट आ रहा है आंसर तो डेफिनेटली एक तो उन दोनों का डिग्री सेम होगा, न्यूमरेटर उसका हाईएस्ट डिग्री सेम होगा, उनका कोफिशिएंट विल बी माय आंसर. जैसे मैं कैसे बोल रहा हूँ, जैसे इधर 5x क्यूब लिखा था ना, तो इतना ना करके अभी तुमने एक्सप्लेनेशन के लिए बोला, डायरेक्टली हम क्या बोलेंगे, डोमिनेटिंग भी छोड़ दो. मैंने बोला ऐसा लिखा है तो डायरेक्टली आई विल से हाईएस्ट वाले कोफिशिएंट का आंसर, रेशियो का आंसर. अगर मान लो ऐसे लिखा है 5x की पावर 7 प्लस 11x क्यूब अपॉन लेट्स से 326x की पावर 7 प्लस 12 प्लस 13x, तो डायरेक्टली हाईएस्ट पावर सेम है, उनके कोफिशिएंट का रेशियो इज माय आंसर डायरेक्टली. एक ही स्टेप है, एक ही चीज, बोलने का तरीका अलग अलग है. क्लियर है बच्चों? चलो अब हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है, जो एग्जाम में आ सकते हैं और आए भी हुए हैं वैसे क्वेश्चंस. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज लिमिट, चलो मैं लिख लेता हूं, इधर क्वेश्चन दे देता हूं तुम लोगों को. देखो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डैट डैट डैश n अपॉन 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस एंड सो ऑन टू एन माइनस वन. वीडियो पॉज करके एक बार खुद से ट्राई करो, ठीक है. अब मैं इसका डिस्कशन लेता हूं. तो देखो न्यूमरेटर तो दिख रहा है कि ले ली सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, दैट विल बी व्हाट, दैट विल बी एन इंटू एन प्लस वन बाई टू. तो उसको तो मैं बाद में लिखूंगा, पहले डिनोमिनेटर देख लेते हैं. वैसे हालांकि डिनोमिनेटर भी हमने उधर एज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट भी बोला था, हालांकि मतलब जनरली याद तो नहीं रहता, इवन मैं भी भूल जाता हूँ, बट निकाल सकते. दिस इज एपी विद अ कॉमन रेशियो टू एंड वेयर नंबर ऑफ टर्म्स आर एन. पहले ये एन है कि कितने हैं, पहले सोचो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं. वैसे मैंने बोल दिया एन, तुम सोचो कितने हैं. इसका जनरल टर्म क्या लिखोगे, टू आर माइनस वन, और आर वन से वेरी होगा एन तक. आर आर इज इक्वल टू वन से एन है ना, टू आर माइनस वन इज टी आर, आर इज इक्वल टू वन रखोगे ये आया, टू रखोगे ये आएगा, और एन रखोगे तो वन से एन तक, तो टोटल टर्म्स तो एन है, ठीक है. या तो इसमें सिग्मा आर स्क्वायर इसी फॉर्मूले से कर लो. वैसे इसको करने के मल्टीपल तरीके हैं, हालांकि ये सीक्वेंस सीरीज में हम देखे हैं तो मैं उतना डिटेल में चलो नहीं जाते हम, चलो डायरेक्टली लिख रहा हूँ मैं ये, समझ गए. या तो डायरेक्टली इसमें एपी का फॉर्मूला लगाओ, वो वाला एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, वेयर माई फर्स्ट टर्म इज वन, कॉमन डिफरेंस इज टू. या फिर डायरेक्टली इसका जनरल टर्म टी आर लिखा, सिग्मा टी आर लिखा, ये कितना हो जाएगा, टू टाइम्स सिग्मा आर एन इंटू एन प्लस वन बाई टू और माइनस सिग्मा वन विच इज एन. तो ये टू से ये टू कैंसिल, एन स्क्वायर प्लस एन माइनस एन विच इज एन स्क्वायर. तो डिनोमिनेटर मेरा एन स्क्वायर है, इससे निकालोगे तो भी एन स्क्वायर आएगा, देख लेना. अब न्यूमरेटर ये कितना है, एन इंटू एन प्लस वन बाई टू. अब एक साथ लिख रहा हूं मैं, तो ऊपर क्या हो गया, एन स्क्वायर बाई टू प्लस एन बाई टू, और नीचे एन स्क्वायर. लिमिट क्या पूछा है, एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो क्या हो जाएगा डायरेक्टली, इन्फिनिटी है तो ये डोमिनेटिंग है तो ये कैंसिल, एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कैंसिल, आंसर इज हाफ. तो समझ में आया डोमिनेटिंग वाला टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है. इस टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में और आते हैं, हर साल आते हैं, स्पेशली दिस सीरीज वाले. इसमें क्या होता है, एग्जामिनर दोनों चैप्टर जज कर लेता है कि बच्चे का स्ट्रॉन्ग है कि नहीं. सीक्वेंस सीरीज का भी यूज हो गया इसमें और हमारा लिमिट का वैल्यू भी यूज हो गया. क्लियर है बच्चों? तो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो. अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं. तो सिमिलर कैटेगरी के क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, सो दैट थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगा हमारा, ठीक है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्क्वायर वाला है. चलो मैंने लिखा लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन n स्क्वायर अपॉन लेट्स से n क्यूब, ठीक है. तो वीडियो पॉज करो और इसको करो. वैसे हालांकि एक ही लाइन का है, अगर तुम्हें इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला पता है, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर क्या होता है, n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाय सिक्स, और नीचे एन क्यूब लिखा है. तो विदाउट कैलकुलेशन, जैसे मैंने तुम्हें बोला था, क्या करो, देख लो कि ऊपर का डिग्री कितना है, नीचे का डिग्री कितना है. अगर सेम आ रहा है और अगर x टेंड्स टू इंफिनिटी है तो जो हाईएस्ट डिग्री है ना उसी के कोफिशिएंट्स का रेशियो इज माय आंसर. तो इधर n क्यूब का कोफिशिएंट क्या है, ऊपर 2, नीचे कितना है 6, सो आंसर इज 1/3. तो जो एक झटके में आ गया, ठीक है. चलो और देखते हैं. मैंने लिखा लिमिट
एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, अब मैं ले रहा हूँ 1³ + 2³ + 3³ + n^3 / n^4 करो फॉर्स करके, तुम करो मैं भी कर रहा हूं इसको। तो अगेन सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, तो विच इज n इंटू एन प्लस वन बाय टू इसका होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय n की पावर 4। तो अगेन ऊपर जो डिग्री आएगा n का दैट इज 4, नीचे भी 4 है तो बराबर है, इसका मतलब फाइनाइट आंसर आने वाला है। तब हम क्या करें, n की पावर 4 का कोफिशियंट देख लेते हैं, उनका रेशियो देख लेते हैं। तो ऊपर क्या आएगा, n की पावर 4 का कोफिशियंट इस 2 के कारण क्या आ जाएगा 4, 1 बाय 4, और नीचे 1 है तो 1 बाय 4 अपॉन 1 कितना हो जाएगा हमारा आंसर 1 बाय 4। तो सोचो हालांकि ये लेंथी माने जाते हैं क्वेश्चन, बट हमारा डोमिनेटिंग वाले कंसेप्ट से काफी इजी हो रहा है ये प्रॉब्लम सॉल्व। क्लियर है? अच्छा अब चलो, अब मैं एक टारगेट तुम्हें देता हूं, ठीक है, दैट उसके लिए तुम्हें थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, बिकॉज द रीजन इज, अब मैं शायद समझ गए होगे, मैं जैसे इधर 1 स्क्वायर 1 क्यूब लिया, इससे पहले मैंने 1 लिया था 1 2 3, फिर मैं 1 स्क्वायर लिया, फिर 1 क्यूब लिया, तो मैं नेक्स्ट टारगेट इज आई विल टेक 4 पावर। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला तो हमें नहीं पता, तो क्या करो तुम लोग ड्राइव करो, दिस इज योर टास्क, दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन। कोई बोलेगा सर इजी वाले तो आपने कर दिए, टफ वाला हमें दे दिया, तो पेपर तुम लोगों को देना है ना, ठीक है ना। वैसे तो मैं बताऊंगा ही कल के लेक्चर में, बट दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी। ऑफ कोर्स ऊपर वाला जो पॉलिनोमियल आएगा दैट विल बी 5 डिग्री पॉलिनोमियल, तो उसमें एन बेसिकली ये इसमें एन क्यूब का कोएफिशिएंट 1 है, तो ऊपर जो इसका जो आंसर आएगा ना ऊपर वाले समेशन का, उसमें जो एन की पावर 5 का कोएफिशिएंट होगा वही मेरा इसका आंसर हो जाएगा फाइनली। तो योर टारगेट इज टू फाइंड दिस, देखते कौन कौन मुझे रिप्लाई देता है। अभी भी मैं देख रहा हूँ हालांकि बहुत ही कम लोग एक्टिव हैं, बहुत ही कम, जैसे अब मैं मुंह पे बोल ही देता हूँ तुम लोगों के, एक मुझे मोहम्मद है जो रेगुलर अपडेट देता है, एक रविराज है, कभी कभी वो भी गैप कर देता है लेकिन ठीक है ही इज रेगुलर। फुरकान बीच में गायब हो गया था बट अभी एक दो दिन से 2-3 दिन से एक्टिव है। उसके बाद एक आकाश अपडेटेड रहता है, बस यही 4 या 5 ही बंदे हैं। उसके बाद गर्ल्स में आई थिंक मनस्वी है, थोड़ा बहुत पहले अपडेट करती थी, अभी वो भी बिल्कुल नहीं अपडेट करती है। इवन सानिया पहले करती थी, पहले से मेरा मतलब है 15 दिन पहले तक ये लोग एक्टिव थे, 15-20, उसके बाद से मुझे एक भी बार अपडेट नहीं किया है। हाँ अभी जब मैंने फोर्स किया ग्रुप में तब उन्होंने शायद मुझे डाउट्स सेंड किए, बट जो मैं होमवर्क देता हूँ क्या बोलते हैं क्लास में, अभी जो लेक्चर है मैं होमवर्क देता हूँ, अभी तक मुझे किसी ने अपडेट, गर्ल्स में किसी ने अपडेट नहीं दिया है, बॉयज में भी ये 4 ही लोग हैं जो अपडेट करते हैं। हाँ निशांत आजकल अपडेट कर रहा है मुझे लास्ट के 2-3 दिन से, और देखो सबसे ज्यादा गायब है एक तो बॉयज में आसिम का अभी तक एक भी दिन कभी नहीं आया, जब से ऑनलाइन क्लासेस चालू हुए एक आध बार आया था शुरू में, उसके बाद कभी आज तक अपडेट नहीं आया, वो मुझे पता भी नहीं कि वो डाउट सेशन भी अटेंड करता है या नहीं। उसके बाद बॉयज में सुयश कर्नाड, जो सुयश है तुम भी नहीं आते हो बिल्कुल, कभी डाउट नहीं पूछते, पता नहीं तुम्हारा क्या चल रहा है, नो अपडेट, दिस इज नॉट अ गुड, मेरा कोई फायदा नहीं है इसमें, ठीक है ना, ये तुम्हारे लिए ही हो रहा है, तुम नहीं पूछोगे उस और पूछोगे नहीं भी पूछोगे पूछोगे मेरे लिए दैट इज न्यूट्रल, फायदा तुम्हारा ही होगा, ठीक है ना। और गर्ल्स में सलोनी थी पहले, वो पूछ लेती थी, वो भी आजकल पूरा डंब है बिल्कुल, कोई कुछ नहीं पूछती है। उसके बाद और कौन था जो अपडेटेड रहता था, प्रतीक्षा थी, शुरू में एक दो बार अपडेट किया, उसके बाद शी इज ऑल्सो वेंट, मतलब कोई अपडेट नहीं है उसका। और देन और कितने अपडेट, क्लास 20 तो स्टूडेंट थे आई थिंक, तोहा, हाँ तोहा तो बिल्कुल ही अपडेट नहीं करता है, एक बार उसने मैसेज किया था उसके बाद फिर नहीं किया है। तोहा अपडेट करो, क्वेश्चन करो, पता नहीं चल रहा है तुम्हें कितना सीख रहे हो, ठीक है ना, मैथमेटिक्स को अपना एक वो बनाओ, इवन तुम्हें बोर्ड भी तो देना है, ठीक है ना, वैसे ही तुम्हारा 11th का पोर्शन बहुत पता है क्या हालत हो रखी होगी तुम्हें, ठीक है ना। तो ठीक है, जिसका भी नाम ले लिया सॉरी, हो सकता है मुझे याद दिमाग में रिकॉल नहीं हो पा रहा है, बट सभी के लिए मैं बोल रहा हूँ मेहनत करो, ठीक है ना, और डाउट्स पूछो जितना हो सकता है, और कल के डाउट सेशन में आना ही है, एंड मैंने वैसे बोला भी था डाउट सेंड करो, अभी तक तो किसी ने नहीं किया था, लेट्स सी कौन कौन करता है। तो यही एंड अप करते हैं, चलो एक और क्वेश्चन होमवर्क के लिए लिख देता हूँ, उसके बाद सर हम एंड अप करते हैं आज का लेक्चर। एक और क्वेश्चन, लिमिट, ठीक है ना, इतना बोलने के बाद आई थिंक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट रिप्लाई करेंगे ये दोनों का आंसर, ठीक है ना, ये थोड़ा तुम्हें मेहनत लगेगी, बिकॉज इसका तुम्हें डेरिवेशन वैसे मैंने सीक्वेंस सीरीज में तुम्हें बताया, तो तुम उधर से एक बार रेफर कर सकते हो, ठीक है ना, इस पर्टिकुलर का न्यूमरेटर का ये समीशन मैंने उधर बताया था, और हर एक डेरिवेशन कराया था,
एन क्यूब सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, स्क्वायर्स एंड स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर, सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, इसका भी प्रूफ कराया था मैंने इवन। बट मैंने बोला था इसको एज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट याद नहीं रखेंगे, और अभी भी बोलूंगा मैं इसको एज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट याद नहीं रखेंगे, बट फॉर्मूला पता होगा जी। क्या पता वर्स्ट केस अगर आ जाता है डायरेक्ट क्वेश्चन तो क्या होगा, जिसको याद होगा डेरिवेशन वही कर पाएगा, बिकॉज इसको स्टैंडर्ड के तौर पर तो कोई भी टीचर नहीं रिकमेंड करता याद करने को, ठीक है। चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज अ सिंपल वन ऑफ कोर्स, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4 प्लस एंड सो ऑन n इंटू n प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय n क्यूब। सो दिस विल बी योर टू होमवर्क क्वेश्चन, एंड आई होप अगेन मैं रिमाइंड कर रहा हूं, पूछना है, देखते हैं किस किस का आता है। स्पेशली श्रुयस तुमने बिल्कुल अपडेट नहीं किया है, रियली मतलब गुस्सा तो है, अगर अभी भी क्लासरूम होता तो रियली, लेकिन अभी तो देख रहा हूं मैं कुछ अपडेट नहीं कर रहे हो तुम, ठीक है ना। चलो आई होप इतना सुनने के बाद अपडेट करोगे। चलो फिर दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।